Okay, so guys, hi, welcome. Obviously, there was some bhoot in the studio, and कहीं से वो भूत आया था, and I don't know if you guys could hear it, so I should stand here. So guys, welcome to today's session, जहाँ पर हम लोग detail में पढ़ने वाले हैं आपका chapter print culture and modern world. हमने इस chapter का 30 minute video भी निकाला है. तो काफी बच्चों ने वो देखा और बोला कि मैम इस चैप्टर को थोड़ा और डिटेल में पढ़ा दो. तो हम उन बच्चों के लिए और बाकी बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं हिस्ट्री में, ये चैप्टर मैं आपके लिए लाई हूँ. सो वेलकम गाइज, वेलकम हारी, हाय सुधेश्वर, हाय रुद्रांश, हाय गाइज, गुड इवनिंग. कैसे हो आप सब लोग? मैम क्या इस चैप्टर से सिर्फ MCQ आएंगे? ऐसा तो है नहीं गाइज, ऐसा पहले भी नहीं हुआ है. अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो तो इस चैप्टर से 3 मार्कर्स भी आए और एक बार 5 मार्कर भी आया है ना. अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा है मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स ऑफ SST, तो उसमें से ये टॉपिक नहीं था. इसका मतलब ये नहीं कि ये चैप्टर नहीं आएगा, इसका मतलब ये है कि ये चैप्टर यूजुअली आप 2-3 मार्कर्स में देखते हो, पर वो भी आप गंवाना, यू कैन नॉट यू नो लूज आउट ऑन इट. प्लस CBSE का कोई भरोसा नहीं है, 5 मार्कर की तरह एक क्वेश्चन आता ही है फ्रॉम दिस चैप्टर, या एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन या मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड. तो ये चैप्टर भी हो सकता है, और ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है. सो मेक श्योर कि आप मेरे साथ इस सेशन के एंड तक बने रहो, हम लोग अच्छी तरह इस चैप्टर को करेंगे. एंड लेट मी टेल यू व्हाट यू विल गेट By the end of today's session, there are 3 things you will get out of it. सबसे पहला जो आपको मिलेगा वो है chapter understanding. है ना, writing इतनी अच्छी नहीं है but कोशिश पूरी हो रही है. Chapter understand हो जाएगा आपको. अगर आज का session आपने end तक देख लिया तो आप boards के लिए बिल्कुल तैयार हो. चैप्टर का एक कोना नहीं है जो आज हम पूरा नहीं करेंगे, चाहे वो पिक्चर ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई कॉन्सेप्ट ही क्यों ना हो, डेफिनेशन ही क्यों ना हो, हम सब कुछ आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं. दूसरी चीज जो आपको मिलेगी वो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. है ना, अभी कुछ बच्चों ने कहा कि मैम क्या इस चैप्टर से सिर्फ MCQ आएंगे? नहीं, हम लोग प्रीवियसली ईयर जो क्वेश्चंस थे बोर्ड एग्जाम्स के, है ना, वो चैप्टर पढ़ते पढ़ते देखेंगे कि इनमें से क्या क्वेश्चंस आ रखे हैं. सो बाय द एंड ऑफ इट हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कर लेंगे, राइट. एंड फाइनली गाइस, आई प्रॉमिस यू, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस का भी कोई क्वेश्चन आ गया जो सैंपल पेपर में भी है. बाय द वे, अगर आपने सैंपल पेपर किया है तो इसी चैप्टर से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आया है, तो वो वाले पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस को भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. तो ये सब हम आज करने वाले हैं. थैंक यू हैरी. कितने देर का वीडियो होने वाला है? जितनी देर में चैप्टर खत्म होगा उतनी देर का वीडियो होने वाला है, चाहे वो 1 घंटा हो या 4 घंटा हो. थैंक यू तनिष्का. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर मैं बताती रहूंगी एज वी गो अहेड. नया ही सेटअप है ये, जो स्टूडियो में जो मिलना था वो नहीं मिला, तो अब मैं आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस पेन, हटा दूं अगर. हाँ सही. तो गाइस जल्दी से इस वीडियो को थम्स अप दे दो, थम्स अप का ऑप्शन वहीं पर है, जल्दी से इस वीडियो को थम्स अप दे दो. इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, स्पेशली वो दोस्त जो इस चैप्टर में स्ट्रगल कर रहे हैं. एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ वेदांतु 9th और 10th, ठीक है. हाय गाइस, हेलो. अब जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इफ दिस चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स यू हैव एनकाउंटर्ड. अगर ये नहीं है तो कौन सा चैप्टर है जो आप चाहते हो मैं करूं? मैम यू हैव योर SST प्री बोर्ड्स ऑन 13th of January, कोई बात नहीं. हाँ 20 मार्क के MCQ आते हैं, 40 मार्क के तो कभी नहीं आए, है ना. ग्लोबलाइजेशन है बच्चों वाला चैप्टर, चलो ये वाला चैप्टर करते हैं, ठीक है. लेट्स, अच्छा इस चैप्टर में आज के वीडियो से मैंने तो ये बता दिया कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, है ना. इफ यू एक्सपेक्ट कि मैं आपको चैप्टर अच्छी तरह पढ़ा दूं, तो हाँ भाई मैं पूरा चैप्टर अच्छी तरह पढ़ा दूंगी. अगर आप चाहते हो मैं आपको क्वेश्चंस भी करा दूं, तो हाँ मैं सारे क्वेश्चंस भी करा दूंगी, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, पिक्चर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स भी समझा दूंगी. बट नाउ द क्वेश्चन कम्स इज कि व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू इन माय कक्षा, है ना. मेरे कक्षा में हो तो मेरी बात सुननी पड़ेगी.
तो गाइज प्लीज एक पेन और पेपर लेके बैठो, और अगर आप सोच रहे हो कि इस चैप्टर के नोट्स कैसे बनाने हैं, सो टुडे इज अ गुड डे टू मेक योर नोट्स एंड माइंड मैप्स, क्योंकि माइंड मैप्स अगर आप बनाओगे पढ़ते पढ़ते तो आपका चैप्टर और अच्छी तरह रिवाइज होगा, ठीक है। अगर किसी और चैप्टर का अगर आप चाहते हो मैराथन हो तो कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो के बाद, जिससे मैं अगले हफ्ते ले पाऊं, राइट। शाउट आउट माय नेम, क्यों क्या मिलेगा आपको। चलो लेट्स स्टार्ट विद द थॉट ऑफ द डे। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। बहुत ही अच्छा थॉट है कि अल्टीमेटली आप ही हो जो अपनी जिंदगी अच्छी कर सकते हो या बुरी कर सकते हो। यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन एल्स फॉर द वे योर लाइफ टर्न्स आउट, है ना। और तो हम सब ब्लेम करते हैं मम्मी पापा को, बट लॉन्ग टर्म में वो उसका कोई रिजल्ट अच्छा नहीं होता। कितने टाइम का होगा, व्हाई इज दिस द रिपीटेड क्वेश्चन। चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिफोर एनी डिले स्टार्ट, ठीक है। बाकी बच्चों को भी जल्दी से बुला लो, वीडियो के नीचे थम्स अप है उसको भी दबा दो, एंड लेट्स बिगिन विद द सेशन। वी क्विज भी है और वी क्विज के बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगी, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट। नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो गाइज प्रिंट, जो हम आजकल इतनी किताबें पढ़ते हैं, आपकी हिस्ट्री की जो बुक है वो भी प्रिंटेड बुक है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंट जो है वो कब से शुरू हुआ। क्योंकि एक जमाने में तो लोग हैंड रिटन चीजें पढ़ते थे और हाथ से लिखते थे। एक जमाने में तो पेपर ही एग्जिस्ट नहीं किया होता था। तो एग्जैक्टली एट वॉट टाइम डिड प्रिंट इमर्ज, उसका इन्वेंशन कैसे हुआ, उसका स्प्रेड कैसे हुआ, जो प्रिंटेड लिटरेचर है वो कब से सर्कुलेट होने लगा, जो रीडिंग, जो लोग कहते हैं ना आई लव रीडिंग बुक्स, ये जो एक नेचर है लोगों का वो कब से बनने लगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउ डिड इट इम्पैक्ट द मॉडर्न वर्ल्ड। आज हम बोलते हैं कि हम काफ़ी मॉडर्न दुनिया में रहते हैं, है ना, तो वो प्रिंट ने कैसे इन्फ्लुएंस किया आज की जिंदगी को, ठीक है। हाँ, साथ साथ प्लीज आप नोट्स बनाइए, हम आराम आराम से जाएंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। तो दीज आर द थ्री, ओके। सो अपेरेंटली अगर मैं पेन ऑन करूं तो, क्योंकि यहां पर रिमोट नहीं है तो कोई बात नहीं, तो हम ये तीनों टॉपिक्स मोस्टली इसमें देखेंगे। अब ये जो चैप्टर है, हाँ भैया रेडी विद नोटबुक एंड पेन, वेरी गुड। तो ये जो चैप्टर है प्रिंट एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इसको हम चार हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, या तीन हिस्से है, चौथा हिस्सा मैं आपको बताऊंगी। पहला है हिस्ट्री ऑफ प्रिंट, है ना। प्रिंट जो है सबसे पहले कहाँ आया, तो वी आर गोइंग टू लुक एट थ्री कंट्रीज, चाइना, जापान, कोरिया, केरला नहीं, कोरिया, ठीक है। सेकेंड है व्हेन डिड प्रिंटेड लिटरेचर बिगिन टू सर्कुलेट। हम देखेंगे कि जो प्रिंट है जो चाइना में पैदा हुआ था वो यूरोप तक कैसे पहुंचा, फिर वहां पर ये ग्यूटेनबर्ग जो थे, जोहानस ग्यूटेनबर्ग, वो कौन थे, उन्होंने कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया विद द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। फिर हम लोग देखेंगे कि हाउ डिड दैट प्रिंटिंग प्रेस, जो मास प्रोडक्शन होने लगा बुक्स का, हाउ डिड इट क्रिएट द मॉडर्न वर्ल्ड, कैसे प्रिंट रेवोल्यूशन आया, कैसे एक नई रीडिंग पब्लिक बनी जिसको पढ़ने का शौक आया, है ना, रीडिंग पब्लिक, कैसे रिलीजियस डिबेट्स होने लगे, लोग जो है रिलीजियन पे बातें करने लग गए, रिलीजियन के ऊपर एक डिबेट शुरू हो गई जो पहले कभी नहीं हुई थी, रिलीजियन इन अथॉरिटीज के ऊपर भी, राइट। एंड फाइनली कैसे प्रिंट के वजह से लोग अपने जो तत्व थे, अपने जो ओपिनियंस थे, जो जो उनको डिसेंट था, डिसएग्रीमेंट था, वो कैसे वो प्रिंट के थ्रू अपने लोगों के समक्ष रखने लग गए, है ना। अब इसमें एक और पॉइंट है, यहाँ पर शायद हम देना भूल गए, एंड यू विल टेल मी इन द चैट बॉक्स वो कौन सा पॉइंट है। आपके SST के हर चैप्टर में पहले हम देखते हैं कि वो जो टॉपिक है हाउ डज इट इन्फ्लुएंस यूरोप, और फिर हम आते हैं कहाँ, इंडिया। हम देखेंगे कि प्रिंट इंडिया कैसे आया और कैसे उसने इंडियन सोसाइटी को बदला, ठीक है। सो दीज आर द फोर मेन टॉपिक्स दैट वी विल बी स्टडीइंग इन दिस चैप्टर। कितना आसान है ना, चार पॉइंट्स एंड दैट इज इट। ऑलराइट लेट्स बिगिन। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक,
तो गाइस सबसे पहले जो बुक्स आई थी, जो प्रिंटेड बुक आई थी, वो इमर्ज हुआ था एज आई सेड तीन कंट्रीज में, जो आपको याद रखना है, चाइना, जापान और कोरिया। पहले जो लोग थे वो हाथ से लिखते थे, है ना, क्योंकि पेपर था पर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कैसे आई, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो आई, सो जो सबसे पहली टेक्निक उभर के आई उसका नाम था ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक या वुड ब्लॉक टेक्निक। क्या था ब्लॉक प्रिंटिंग या वुड ब्लॉक टेक्निक? बहुत ही आसान है, आई एम श्योर हम सब ने उसको कहीं ना कहीं देखा है। एक वुडन ब्लॉक होता है, वुडन ब्लॉक को एंग्रेव किया जाता है। जैसे मेरे पास एक वुडन ब्लॉक है, उसके ऊपर मैं बड़ा बड़ा ऐसे एस बना दूँ, ठीक है, ऐसे खोद के एस बना दूँ, और मतलब उभार के सिर्फ एस दिखेगा। उसके ऊपर मैं इंक लगा दूँ, है ना, और फिर एक पेपर को इंक के ऊपर चिपका दूँ तो पेपर पे क्या आएगा, एस लिखा हुआ आएगा। वैसा ही था आपका वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। ये फोटो है, चिड़िया बनी हुई है और पेपर पे चिड़िया आ गई है ना, इसको हम लोग क्या बोलते थे, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स। क्वेश्चन आया है वन मार्कर की तरह, एक्सप्लेन वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक। तो आप कहोगे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जहां पर पेपर को, कागज को वुड ब्लॉक के इंक सरफेस पे रब किया जाता है, ठीक है, दैट इज इट, राइट। चलो अब प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग। लिमिटेशन ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इज, जो पेपर होता था उस टाइम पे वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता था, वो बहुत पतला होता था, इट यूज टू बी वेरी थिन, पोरस होता था, बहुत पतले पतले, मतलब अगर उसमें इंक एक होता है ना, गंदे वगैरह क्वालिटी के नोटबुक्स होते हैं सस्ते वाले, तो अगर आप पेन से एक जगह लिख लो तो दूसरे पेज पे उसकी छाप आ जाती थी, तो पोरस बोलते उसको, पोरस होती थी एंड कुड नॉट बी प्रिंटेड ऑन बोथ द साइड्स, क्योंकि पोरस थी तो दोनों जो पेज का तरफ था उस पर नहीं लिखा जाता था, ठीक है। तो इसीलिए दैट वॉज द लिमिटेशन ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। और हम देखते हैं कि इसीलिए अकॉर्डियन बुक्स बहुत चलती थी। अकॉर्डियन बुक्स होती है ऐसे पियानो की तरह, अकॉर्डियन की तरह, जहाँ पर एक ही साइड लिखा जाता था और फिर उसको ऐसे ऐसे चिपका दिया जाता था। चाहे वो हमारी रामायण हो, शुरू शुरू की महाभारत हो, पाम लीव्स, और फिर पेपर पे जब लिखी गई तो इसी तरीके से लिखी जाती थी, इसी तरीके से उसे खोला जाता था, राइट। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, व्हाट वाज एन अकॉर्डियन बुक, आ चुका है, डिस्क्राइब एनी टू फीचर्स ऑफ बुक्स प्रिंटेड इन चाइना। तो आप बोल सकते हो अकॉर्डियन बुक जो है ट्रेडिशनल चाइनीज बुक होती थी जो सिर्फ एक साइड पे लिखी जाती थी, वो बहुत ब्यूटिफुली उसमें कैलीग्राफी होती थी, ब्यूटिफुल राइटिंग होती थी उसमें, जो स्क्राइब्स लिखते थे, राइट, और उसका जो पेपर था, प्रॉब्लम ये थी कि जो पेपर था वो बड़ा थिन और पोरस था, सिंपल, राइट। गाइस आई होप सब लोग अपने नोट्स बना रहे हो आराम आराम से, है ना। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, विच एशियन कंट्री वॉज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटीरियल एंड व्हाई। तो आप क्या बोलोगे, चाइना जो है इट वॉज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटीरियल, व्हाई, बिकॉज ऑफ टू रीजंस, ब्यूरोक्रेसी और ब्लूमिंग ऑफ द अर्बन कल्चर। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक मेन रीजन था कि चाइना में इतना ज्यादा प्रिंटेड बुक्स थी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, नौकरशाही, जैसे हमारे ऑफिसर्स होते हैं सरकार, यू नो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट्स, ये सब क्या है, ये ब्यूरोक्रेसी है जो सरकार के लिए काम करती है। वैसे ही चाइना में क्या था, इंपीरियल एम्पायर था जहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स होते थे। अब अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आपको एक सिविल सर्विसेज एग्जाम भी देना पड़ता था, तो चाइना के पास काफ़ी बड़ी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था जिसका पर्सनल मतलब ऑफिसर्स, यू नो, वर्कर्स यूज टू बी रिक्रूटेड थ्रू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देके जो आपके ब्यूरोक्रेट्स थे वो मतलब जो लोग थे वो ब्यूरोक्रेट्स बनते थे। अब अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, है ना, तो यहाँ जो टेक्स्ट बुक्स होती थी पढ़ने के लिए, दैट यूज टू बी प्रिंटेड बाई द इम्पीरियल स्टेट, है ना, जो इम्पीरियल स्टेट था वो उनको थाउजेंड्स में प्रिंट करते थे जिससे बच्चे आराम से बैठ के पढ़ पाए। फ्रॉम द 16th सेंचुरी द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स वेंट अप, 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स बहुत सारे बच्चे जो है ये एग्जाम देने लग गए, तो बहुत सारी बुक्स प्रिंट होने लग गई, ठीक है।
आई होप इट्स क्लियर. चाइना में ब्यूरोक्रेसी में आने के लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम देना था. सिविल सर्विसेज एग्जाम देने के लिए आपको बुक्स की पढ़ाई करनी थी. वो जो बुक्स थी वो प्रिंट करता था इंपीरियल स्टेट. जब कैंडिडेट्स बढ़े, बुक्स ज़्यादा प्रिंट हुई और इस तरीके से प्रिंटेड मटीरियल मार्केट में बढ़ा. ठीक है, क्लियर? ऑलराइट, अब क्या चेंज आया चाइना में? विद टाइम एक अर्बन कल्चर ब्लूम होने लगा. कोई फूल है जो ब्लूम होने लगा. विद टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सिटी में रहने लग गए. अर्बन कल्चर उसको बोलते हैं, है ना. एंड प्रिंट डाइवर्सिफाई होने लगा. डाइवर्सिफाई मतलब सिर्फ इम्पीरियल स्टेट ही नहीं, बाकी लोग भी प्रिंटेड मटेरियल यूज करने लग गए. सो इट वॉज नॉट जस्ट द स्कॉलर ऑफिशियल्स हु यूज्ड प्रिंट, बट ऑल्सो द मर्चेंट्स. मर्चेंट्स कैसे यूज करते थे? प्रॉफिट लॉस, कितना उन्होंने खरीदा, कितना उन्होंने बेचा, ये सब जो रिकॉर्ड्स है, ये सब यू नो मर्चेंट्स भी रखने लग गए अपने पास. ठीक है, अब विद टाइम रीडिंग बिकेम अ लेजर एक्टिविटी. तो गाइस, जब लोग गांव में रहते हैं ना, तो लोगों के पास बहुत काम होता है, यू नो, खेती का काम, घर का काम, तो उनके पास पढ़ने लिखने इन सब का कोई टाइम नहीं है. बट जब लोग शहर में आ गए, तो शहर में फिक्स्ड टाइम होता है कि ठीक है 10 से 5 बजे हमें काम करना है, उसके बाद हमारा टाइम है मी टाइम, है ना. तो मी टाइम में क्या करें? तो उस टाइम पे पढ़ना, रीडिंग एक लेजर एक्टिविटी बन गया, एक आरामदायक काम बन गया. जैसे आज रील्स देखना आरामदायक काम है ना, वैसे ही. ठीक है, तो किस टाइप की रीडिंग करते थे लोग? ऑटोबायोग्राफीज, लोगों की जिंदगी के बारे में. एंथोलॉजी, जैसे कोई स्टोरी हो गई तो एंथोलॉजी. रोमांटिक प्लेस, ये सब पढ़ते थे, राइट. अब क्या हुआ? वुमेन जो है दे ऑल्सो स्टार्टेड रीडिंग. वुमेन बिगैन टू रीड एंड वुमेन ऑल्सो स्टार्टेड राइटिंग बुक्स. उस टाइम औरत लिखने भी लग गई अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में. वाइव्स ऑफ स्कॉलर ऑफिशियल्स, ये जो ब्यूरोक्रेट्स थे, इनकी बीवियाँ काफ़ी पढ़ी लिखी थी, तो उन्होंने भी अपनी बुक्स पब्लिश करना शुरू कर दिया. जो कोर्टिजांस थे, कोर्टिजांस होते हैं जो राजा के महलों में उनकी बीवियाँ नहीं होती थी बट उनके साथ रहते थे, या फिर डांसर्स वगैरह थे, वो भी अपनी ज़िंदगी के बारे में प्रिंट के माध्यम से लिखने लग गए. ठीक है, सो आई होप दिस पार्ट इज नाउ क्लियर. चलो अब हम आते हैं लेट 19th सेंचुरी में, कैसे टेक्नोलॉजी ने चाइना की प्रिंटिंग मेथड को बदला, है ना. तो जो वेस्ट में क्या हुआ, एक नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई एंड दैट टेक्नोलॉजी ऑफ मैकेनिकल प्रिंटिंग केम टू चाइना. ठीक है, केम टू चाइना क्योंकि यूरोपियंस चाइना आए, यूरोपियंस ने चाइना में अपने घर वर बनाए, तो अपने साथ प्रिंटिंग नॉलेज भी ले आए. तो विद टाइम शंघाई जो है, इट बिकम्स द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर. वॉट इज इम्पीरियल स्टेट? इम्पीरियल स्टेट मतलब जहाँ राजा होता है, इट इज नॉट अ मॉडर्न स्टेट, है ना. ऑलराइट, तो 8594 आपका हैंड प्रिंटिंग हो गया. वी मूव टू, गाइज रिमेंबर चैप्टर में थोड़ा सेंचुरी पे आपको ध्यान देना है. सो वी मूव टू 17th सेंचुरी जहाँ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग हो गई, एंड देन वी मूव ऑन टू 19th सेंचुरी जहाँ पर मैकेनिकल प्रिंटिंग हो गई. ठीक है, नहीं, यू कैन जस्ट टॉक अबाउट हाउ वेस्टर्न पावर्स ब्रॉट प्रिंट टू चाइना. ठीक है, तो चाइना की कहानी होती है यहाँ खत्म. क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, गिव एनी 3 रीजंस फेवरिंग शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग इन चाइना. तो आप वही आंसर लिख सकते हो कि कैसे अर्बन कल्चर ब्लूम हुआ, कैसे प्रिंट डाइवर्सिफाई हुआ, कैसे अलग अलग तरीके के लोग जो है रीडिंग और राइटिंग करने लग गए. एंड दैट इज वाई देयर वाज अ पुश, यू नो, विद होता है ना, ज्यादा से ज्यादा बुक्स की डिमांड होने लग गई, तो शिफ्ट हो गया फ्रॉम हैंड टू मैकेनिकल प्रिंटिंग जब वेस्टर्न पावर्स मैकेनिकल प्रिंटिंग चाइना लाए. ऑलराइट, चलो अब हम लोग आते हैं प्रिंट इन जापान. तो गाइस, जापान में प्रिंट कैसा आया? क्वेश्चन आता है हाउ डिड प्रिंट कम टू जापान. तो आप कहोगे कि जो बुद्धिस्ट मिशनरी से चाइना से आए थे बुद्धिज्म फैलाने के लिए, वो अपने साथ प्रिंटेड मटेरियल लाए थे. और इसी तरीके से प्रिंट टेक्नोलॉजी जापान में घुसी फ्रॉम 768 टू 770 AD. ठीक है, चाइनीज बुद्धिस्ट लाए थे जापान में. ठीक है, इट इज दैट ईजी. अब ओल्डेस्ट जापानीज बुक जो 868 AD में इट वॉज रिटन, दैट वॉज कॉल्ड द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा. ये आता है MCQ की तरह, तो याद रखना बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा जो है
एंड इसमें जो है 6 पेजेस थे ऑफ टेक्स्ट एंड वुड कट इलस्ट्रेशंस. तो 6 पेजेस की बुक थी, बहुत सारे इसमें ड्राइंग्स थे एंड यू नो इलस्ट्रेशंस थी, इस तरीके की इलस्ट्रेशंस जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही है, राइट. अच्छा, अब नॉट जस्ट वुड कट, नॉट जस्ट यू नो टेक्स्ट, बट विद टाइम प्रिंट जो है वो टेक्सटाइल्स पे भी आने लगा. टेक्सटाइल्स मतलब कपड़ों पे भी आने लगा, जिसको हम लोग वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी बोलते हैं, जो आजकल भी हम कपड़े पहनते हैं. प्लेइंग कार्ड्स में भी हमें दिखने लगा और पेपर मनी के ऊपर भी दिखने लगा, जो मनी नहीं होता पैसा, उसके ऊपर भी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होने लगी. तो इस दैट लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस. जब आप पिक्चर्स को प्रिंट कर पा रहे हो, है ना, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा पेंटर्स भी इमर्ज होने लगे, जो आसपास की दुनिया को प्रिंट के थ्रू, पेंटिंग्स जो प्रिंटेड पेंटिंग्स है उसके थ्रू दर्शाने लग गए. मैं बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का. फॉर एग्जाम्पल, 18th century में अर्बन एरियाज में, सिटी एरियाज में, ईडो जो टोक्यो एरिया था, ईडो में काफ़ी सारे ऐसे पेंटर्स आए, काफ़ी सारे ऐसे आर्टिस्ट्स आए जो एलिगेंट अर्बन कल्चर, जो उस टाइम का अर्बन कल्चर था, जैसे टी ड्रिंकिंग हो गया, गैदरिंग्स हो गए, कोर्टिजान कल्चर हो गया, यू नो नचनिया वाला जो कल्चर होता है, उसको डिपिक्ट करने लग गए थ्रू प्रिंट. उस टाइम हम देखते हैं कि काफ़ी लाइब्रेरीज और बुक स्टोर भी खुलते हैं दैट वर पैक्ड विद हैंड प्रिंटेड मटीरियल. काफ़ी ज़्यादा हैंड प्रिंटेड मटीरियल दिखाई देता है लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स पे भी. काफ़ी सारी बुक्स, किताबें लिखी जाने लगी ऑन वुमेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट्स, हर टॉपिक पे बुक्स लिखी जाने लगी. बट गाइस याद रखना, अभी तक हम लोग उस ज़माने में हैं जहाँ सिर्फ हाथ से लिखा जाता था या फिर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ही होती थी. वी आर स्टिल इन दैट एरा, ठीक है, कहानी में. अभी हम आगे नहीं बढ़े हैं. ऑलराइट, हाँ, तो वन एग्जांपल ऑफ अ पेंटर इज किटागावा उटामारो. ये जो है, ही वाज बोर्न इन ईडो इन 1753. यू डोंट नीड टू रिमेंबर द डेट, राइट. एंड ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू टू थिंग्स. वन, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एन आर्ट फॉर्म कॉल्ड उकायो या उकियो, दैट इज पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड. जो किटागावा थे, ये काफ़ी ऑब्जर्वेंट थे, है ना. ही यूज्ड टू लुक अराउंड. वो देखते थे कि जो नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है ना, अर्बन कल्चर के, जैसे लोग चाय पी रहे हैं, लड़कियां सिर्फ रोड पे चल रही है, उसको अपने प्रिंट के थ्रू डिपिक्ट करते थे. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वन फोटो जिसमें लड़की आराम से बैठी हुई है ना, उसके हाथ में एक किताब है. सो दैट इज वन एग्जाम्पल ऑफ द प्रिंट, राइट. सेकेंड एग्जाम्पल इज दिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इट इज़ अ मॉर्निंग सीन, है ना, उकायो प्रिंट है बाय शुनमन कुबो. लेट 18th century के मॉर्निंग सीन दिखाया गया है. सारी जो औरतें हैं वो बिजी है अपने दिनचर्या में, खाना बनाने में, चाय बनाने में, वगैरह वगैरह. और यहाँ पर एक आदमी है हु इज़ लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड हु इज़ ड्रिंकिंग टी. वेरी सिमिलर टू आई गेस वॉट हैपन्स इन आर हाउसेज टूडे, है ना. हरियाणा बोर्ड की डेटशीट आ गई, बहुत बढ़िया. चलो, अब अगला पार्ट आता है, हाउ डज प्रिंट कम टू यूरोप, है ना, प्रिंट यूरोप कैसे आता है. तो गाइस, चाइना में प्रिंट पैदा हुआ और वो यूरोप वैसे ही आया जैसे पिछले इतने सालों से चाइना से यूरोप चीजें जा रही थी, एंड दैट इज द सिल्क रूट, राइट. तो सिल्क रूट में फॉर मेनी इयर्स लोग जा रहे थे, लोग अपने अपने साथ स्पाइसेस ले जा रहे थे, गुड्स ले जा रहे थे, बीमारियां ले जा रहे थे, डिजीजेस ले जा रहे थे, एंड विद देम दे आल्सो टुक टेक्नोलॉजी. तो ये कैसे हुआ, तो जो चाइनीज पेपर है 11th century में, इट वेंट टू यूरोप और मैन्युस्क्रिप्ट शुरू हो गए, क्योंकि प्रिंट नहीं गया था 11th century तक, यू नो रिटन मटीरियल गया, पेपर गया था. तो पीपल स्टार्टेड यूजिंग पेपर फॉर देयर मैन्युस्क्रिप्ट. तो ये काफ़ी ध्यान से स्क्राइब्स जो है पेपर पे लिखते थे, राइट. नाउ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मार्को पोलो ले गया फ्रॉम चाइना टू यूरोप. मार्को पोलो कौन है, तो मार्को पोलो जो है काफ़ी साल तक चाइना घूमे, एंड विद हिम ही ब्रॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज, मतलब विद्या लाए वो अपने साथ, एंड दैट इज द नॉलेज ऑफ हाउ टू ऑपरेट वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, है ना. तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वो यूरोप लाए, इटली लाए, इटालियन थे वो, तो इटली लाए, और विद टाइम इटली से वो पूरे यूरोप में फैल गया, ठीक है. चलो, अब क्या
यूरोप में प्रिंट जब आया तो एवरीवन एक्सेप्टेड इट इक्वली, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि व्हेन प्रिंट केम टू यूरोप वाज इट एक्सेप्टेड इमीडिएटली, तो नहीं। अभी आपने हिस्ट्री में पढ़ ही लिया होगा इस पॉइंट तक कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, ये पढ़ रखा है आपने एक चैप्टर में पढ़ रखा है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो लोग उसे इमीडिएटली एक्सेप्ट, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में पढ़ा है आपने ये, है ना, तो लोग उसे इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं करते। हमेशा कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं, ये जो प्रिंटेड मटीरियल है ये पुअर लोगों के लिए, है ना। तो वही हुआ, जो रिच सर्कल्स थे, जो एरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स थे, मतलब अमीर लोग थे, नोबेल फैमिलीज के लोग थे, और जो मोनास्टिक लाइब्रेरीज थी, मोनास्टिक लाइब्रेरीज क्या होती है, मोनास्ट्रीज जो होती है ना, जैसे जो बुद्धिज्म के टेम्पल्स होते हैं, जो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे, दे स्कॉफ्ड एट प्रिंटेड बुक एज चीप वल्गैरिटीज। चीप वल्गैरिटीज मतलब ये चीप है, ये हमारे क्लास के नहीं है। तो उन्होंने तो हैंड रिटन मटीरियल कंटिन्यू किया यूज़ करना, और वो पेपर पे नहीं लिखते थे, वो लिखते थे वेलम पे। वेलम क्या होता है, इट इज़ अ पार्चमेंट मेड अप ऑफ द स्किन ऑफ एनिमल। तो जो एनिमल की स्किन होती है, खाल होती है, उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा होता है हैंड से, दैट इज वॉट दे प्रिफर्ड। हाई लेवल चीज़ें हाई लेवल लोगों की, है ना। तो लग्जरी एडिशंस वर स्टिल हैंड रिटन ऑन वेरी एक्सपेंसिव वेलम, ठीक है। ऑलराइट, अब ये जो प्रिंटेड मटेरियल आया, ये बहुत बड़ा बून था फॉर पीपल हु हैड नो मनी। तो आई फील अगर हम लोग होते उस जमाने में, तो हम इनमें से, मैं तो होती, तो मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स जो थे, जो यूनिवर्सिटीज में थे, जिनके लिए वेलम और हैंड रिटन जो यू नो हैंड रिटन मटीरियल था वो बहुत महंगा होता था, उन लोगों के लिए जो प्रिंटेड कॉपीज थी ये काफ़ी सस्ती और काफ़ी यू नो जैसे होता है किफ़ायत वाली, मतलब देवर क्वाइट हैप्पी विद इट, राइट। तो मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी टाउन्स बॉट अ लॉट ऑफ यू नो प्रिंटेड मटीरियल। इससे क्या हुआ, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दैट, द इम्पैक्ट वाज दैट की डिमांड, ओहो, डिमांड जो है वो बुक्स के लिए काफ़ी बढ़ गई। अब जब डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई तो जो बुक सेलर्स थे उनकी सेल बढ़ गई, है ना, जब बुक्स की डिमांड बढ़ गई। गाइस आई होप इट इज़ क्लियर, जो बुक्स थे, जो प्रिंटेड मटेरियल यूरोप में आया, रिच फैमिली, जो रिच और एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज हैं, उन्होंने स्कॉफ किया कि अरे यार ये तो चीप वल्गैरिटी है, हम तो वेलम पे, एनिमल्स की स्किन पे ही लिखेंगे। पर ये बून रहा किसके लिए, मर्चेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने काफ़ी मात्रा में प्रिंटेड मटीरियल कंज्यूम करना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने इतना ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया तो बुक सेलर्स के हो गए बल्ले बल्ले, है ना, कहाँ गया, हाँ ठीक है, बुक सेलर्स के हो गए बल्ले बल्ले, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बुक्स बेचने लग गए, एक्सपोर्ट करने लग गए, है ना, बुक फेयर्स काफ़ी इंक्रीज होने लग गई, लोग जगह 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 पे बुक फेयर्स करने लग गए, वहाँ पर बुक्स बिकने लग गई, राइट। हम देखते हैं कि जो स्क्राइब्स है, स्क्राइब्स मतलब कॉपी राइटर्स, जो कॉपी करते हैं, क्योंकि हर चीज़ अभी तक हैंड प्रिंटेड, इवन दो प्रिंटेड प्रिंट वुड ब्लॉक प्रिंटिंग हैड कम, है ना, बट फिर भी लोग हैंड प्रिंट को, मतलब हैंड रिटन को यूज करते रहे। तो जो स्क्राइब्स है, जो कॉपी करते थे, दे वर एम्प्लॉयड बाय बुक सेलर्स टू मीट द राइजिंग डिमांड फॉर बुक्स, है ना। हर चीज़ जब डिमांड नहीं मीट हो पा रही है प्रिंटेड मटीरियल से, तो लोग लिखवाने लग गए, बुक सेलर्स लिखवाने लग गए स्क्राइब से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि देर इज़ मोर एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैनुस्क्रिप्ट्स, एंड लोगों को लगने लगा, डिमांड होने लगी लोगों के अंदर कि हमें और पढ़ना है और हमें और प्रिंटेड मटेरियल चाहिए, ठीक है। चल अब हम देखते हैं व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द हैंड रिटन मैनुस्क्रिप्ट्स। डिमांड तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बट प्रॉब्लम थी कि ये जो हैंड रिटन मैनुस्क्रिप्ट्स थे, दे कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर प्रिंटेड मटीरियल, है ना। लोगों को तो पढ़ना था ही ना, आप लोगों को मुश्किल होगा ये समझना कि यार लोग पढ़ना क्यों चाहते हैं, है ना, हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी इन लोगों ने, बट इट वॉज न्यू फॉर पीपल, तो उसकी डिमांड बढ़ गई, जिसके वजह से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गई, राइट। कॉपिंग जो है, मतलब एक प्रॉब्लम ये थी कि जो हैंड रिटन मैनुस्क्रिप्ट्स थे उसको कॉपी करना पड़ता था, वो कॉपी करना इतना आसान नहीं होता, है ना, हम भी कॉपी करते हैं, हाथ दुख जाते हैं, तो वो काफ़ी लेबोरियस काम है, काफ़ी लेबर इंटेंसिव काम है, काफ़ी एक्सपेंसिव काम है, बहुत ज़्यादा महंगा काम है,
एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस होता था। तो ज्यादा से ज्यादा डिमांड होने लगी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की और लोग बोलने लगे कि और कुछ अच्छा टेक्निक निकालो प्रिंट करने का, है ना। देयर वाज मोर डिमांड, राइट। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होते थे, जो लिखी हुई बुक्स होती थी, वो काफ़ी फ्रेजाइल होती थी, इतना आसान नहीं होता था उसको अपने साथ इधर उधर ले जाना, है ना। आपने देखा ये कितना बड़ा हो जाता था वो बुक का, यू नो, डिफिकल्ट टू हैंडल, नॉट ईजी टू कैरी अराउंड। इसीलिए उनका जो सर्क्यूलेशन था वो काफ़ी लिमिटेड था, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो यूरोप में तो आ गई, काफ़ी ज़्यादा लोग वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यूज़ करने लग गए, चाहे वो कपड़े बनाने में हो, चाहे वो कार्ड्स, यू नो, जो प्लेइंग कार्ड्स है उसमें हो या टेक्स्ट में हो। हाउएवर, दैट वॉज नॉट इनफ टू मीट द डिमांड ऑफ द पीपल। एंड दिस इज द टाइम, जब नीड होती है तब इन्वेंशन होती है। तो दिस इज द टाइम जब हम देखते हैं कि नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इमर्ज होती है। और जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो कि कौन सी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट जोहानस ग्यूटेनबर्ग। तो इस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जर्मनी में एक इंसान आज पैदा होते हैं, बड़े भी होते हैं, और उनका नाम था जोहानस ग्यूटेनबर्ग, who made the first known printing press in the 1430s. तो 1430s में उन्होंने अपनी सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई। यस, अब क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड ही मेक इट, है ना, कैसे आया उनके पास ये नॉलेज। तो ग्यूटेनबर्ग का जो बचपन है वो बड़ा अनोखा था। ही वॉज द सन ऑफ अ मर्चेंट, जो वाइन मर्चेंट होते हैं, ग्रेप्स मर्चेंट होते हैं, एंड ही ग्रू अप इन अ लार्ज एग्रीकल्चरल एस्टेट, बहुत ही बड़ा एग्रीकल्चरल एरिया में वो ग्रो हुए, ठीक है। और वहीं पर उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाई। तो चाइल्डहुड में, एज आई टोल्ड यू, उन्होंने वाइन देखी थी, उन्होंने देखा था वाइन कैसे बनता है, जो ग्रेप्स होते हैं उसको अच्छी तरीके से एक प्रेस होती है, ऑलिव प्रेस, यू नो, वो पूरा दबाती है, उससे आपका वाइन बनता है। उन्होंने वहाँ पर सीखा कि स्टोन को कैसे पॉलिश किया जाता है। वो गोल्डस्मिथ बने, गोल्डस्मिथ मतलब लोहाकार, मतलब एक तरीके से जो मेटल्स को अलग अलग शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं, उन्होंने वो सीखा। एंड दैट हेल्प हिम इन मेकिंग द लेटर्स, प्रिंटिंग प्रेस में लेटर्स बनाते हैं ना, ABCD, तो वो मोल्डिंग ने उन्होंने हेल्प, उनको हेल्प की जब उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाई, राइट। एंड ही अडेप्टेड दिस नॉलेज इन मेकिंग ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। ट्रिंकेट्स क्या होता है? तो गाइस, ट्रिंकेट्स होता है ज्वेलरी, छोटी मोटी जो ज्वेलरी होती है उसको हम ट्रिंकेट्स बोलते हैं। तो उन्होंने लेड मोल्ड्स बनाए, दैट वॉज यूज टू मेक ट्रिंकेट्स, मतलब जैसे मोल्ड होता है, जैसे आपने देखा होगा, हाँ, जैसे जब आप बीच जाते हो तो बीच किट होती है आपके पास, जहाँ पर ऐसे ऐसे लेट्स से ट्रायंगल होगा, तो आप ट्रायंगल में सैंड भर दोगे, है ना, फिर उसके बाद आप ऐसे करोगे तो ट्रायंगल शेप्ड सैंड हो जाएगा, तो वो मोल्ड है ना, ट्रायंगुलर मोल्ड। तो वैसे ही उस ट्रायंगुलर मोल्ड में अगर आप सिल्वर या कुछ मेटल डाल दोगे तो वैसा ही आपको मिल जाएगा। तो अलग अलग ज्वेलरी ट्रिंकेट्स बनती थी इस मोल्ड के थ्रू। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। चलो अगला, हाँ, तो उन्होंने क्या किया, दो टेक्नोलॉजी यूज की अपने बचपन की मेकिंग द प्रिंटिंग प्रेस। पहला था ऑलिव प्रेस। ऑलिव प्रेस जो था, वही ऑलिव को जो प्रेस करने का होता था, प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर प्रिंटिंग प्रेस। एंड जो मोल्ड्स था, इट वाज यूज्ड फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप्स फॉर द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। तो ऑलिव प्रेस से उनको लगा कि हाँ, ऐसे प्रेस करने से जो लेटर है वो पेपर पे आ सकता है। और उसके बाद मोल्ड्स उन्होंने यूज़ किए लेटर्स बनाने के लिए। मोल्ड बताया ना मैंने क्या होता है, तो ABCD ये सब उन्होंने बनाया विद हिज मोल्डिंग नॉलेज। और सबसे पहली बुक जो उन्होंने पब्लिश की वो थी बाइबल। काफ़ी रिलीजियस थे वो, तो बाइबल उन्होंने पब्लिश की, एंड अबाउट 180 कॉपीज वर प्रिंटेड। नाउ यू माइट थिंक, मैम 180 कॉपीज फॉर इन 3 ईयर्स, ये तो बहुत ज़्यादा कम है, है ना, बट एक्चुअली उस जमाने के लिए ये बहुत ज़्यादा फास्ट था, राइट। सो इट वॉज क्वाइट अ फास्ट प्रोडक्शन, एंड दिस इज वॉट लीड्स टू द प्रिंट रेवोल्यूशन, राइट। तो हम लोग जल्दी से पिक्चर देख लेते हैं। तो ये है आपके एक फोटो ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस जो ग्यूटेनबर्ग ने बनाई। तो आप देख सकते हो कि जो लेटर प्रेस प्रिंटिंग बोला जाता था, जो प्लेटन है ना, दिस इज द प्लेटन बाय द वे, इसको पेपर पे रखा जा रहा है, लाइक द पर्सन इज पुलिंग इट
पुलिंग द हैंडल तो वो ऊपर से नीचे पेपर पे आता है। हाँ, यहाँ पर प्लेटिन पे आपके सारे लेटर्स होते हैं, जो भी लेटर्स, जैसे आपको बी ओ एक्स लिखना है तो वो लेटर्स नीचे आके पेपर पे अपना छाप मार देते हैं। एंड दैट इज हाउ यू यूज टू गेट प्रिंटिंग डन। एवरी वर्ड के लिए उसको मूव करना पड़ता था और लेटर्स यू नो निकल के छाप मारते थे पेपर पे, राइट? ऑलराइट, ये हैंडल है एंड एज आई सेड ही यूज्ड टू कीप ऑन मूविंग द हैंडल। यहाँ पर पेपर रखा गया है, डैम्प पेपर, थोड़ा सा गीला पेपर जिसमें छाप करना आसान है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर गाइस। ठीक है, चलो अब आप अगेन गाइस, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो ये जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई ग्यूटेनबर्ग की, तो ऐसा नहीं है कि उसको उसको बस प्रिंटिंग आ गया तो लोग प्रिंटेड बुक्स पढ़ने लग गए। नहीं, लोगों का अभी भी इंटरेस्ट था इन हैंड रिटन मटेरियल, क्योंकि जो हैंड रिटन चीज़ें होती है वो बहुत यूनिक होती है ना। तो क्या हुआ कि द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स बाय हैंड। जो नई टेक्नोलॉजी थी उसने अभी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी हैंड रिटन टेक्नोलॉजी को कम्प्लीटली डिस्प्लेस नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी बुक है, कोई भी बुक थी, उसमें जो है जो उसका लेआउट था वो काफ़ी सिमिलर था हैंड रिटन बुक्स का। जो लेटर्स यूज किए गए थे वो लेटर्स भी काफ़ी ऑर्नामेंटल थे, जैसे आपको जैसे बी ऐसे सुंदर तरीके से लिखा होगा, है ना, काफ़ी ऑर्नामेंटल तरीके से लिखा गया सो दैट इट रिजेंबल्स हैंड रिटन टेक्स्ट, है ना, जो सो दैट जो हैंड रिटन टेक्स्ट है उसके सिमिलर वो लेटर्स दिखे, राइट? बॉर्डर्स को इल्यूमिनेट किया जाता था बाय हैंड टू मेक ईच बुक यूनिक, है ना, तो उसको ब्यूटिफुल फोलियाज, फोलियाज मतलब पत्तियाँ, फूल वगैरह वगैरह से उसको सुंदर बनाया जाता था। इलस्ट्रेशंस पेंट की जाती थी, जो इलस्ट्रेशंस, जो पेंटिंग्स थी वो प्रिंटेड नहीं होती थी, वो हैंड पेंट की जाती थी, राइट? स्पेस फॉर डेकोरेशन वॉज कैप्ट ब्लैंक, तो हर बुक में एक पार्ट बुक का जो है उसको ब्लैंक रखा जाता था जहाँ डेकोरेशन होती थी। अगर आपने बुक खरीदी, आप अपने फेवरेट पेंटर के पास जाके पेंटिंग करवा सकते हो, अपनी बुक को सजवा सकते हो। इस तरीके से हर बुक, इवन दो इट वॉज प्रिंटेड, वॉज वेरी यूनिक। ठीक है, ऑलराइट। अब हाँ, तो ये एग्जाम्पल है, नो टू कॉपीज वर द सेम। हर जगह जो एलीट्स थे, जो रिच पीपल थे, वो पेपर वो प्रिंट जरूर कराते थे पर बाकी में अपना खुद का एक एक होता है ना, एक फ्लेवर डालते थे। फॉर एग्जाम्पल, दीज बुक्स वर नॉट जस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, दे वर प्रिंटेड इन द न्यू ग्यूटेनबर्ग प्रेस। प्रिंट जरूर की जाती थी, हाउएवर उनका जो बॉर्डर है, जैसे ये आपको सुनिए फोलियाज वगैरह दिख रहा है ना, फूल पत्ती, ये काफ़ी केयरफुली डिजाइंड थी बाय हैंड पेंटर्स, राइट? ऑलराइट, अब हम देखते हैं बिटवीन 1450 to 1550। अब ग्यूटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस यूरोप में आ गया है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट? तो आप कह सकते हो बिटवीन द ईयर्स 1450 to 1550 प्रिंटिंग प्रोडक्शन एक्सपेंडेड, जो प्रिंटिंग का प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, है ना। जो प्रिंटिंग प्रेसेस थे दे वर सेट अप इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ यूरोप, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी में इन्वेंट हुई, तो जर्मन्स जो है वो अपना सीना बड़ा करके यूरोप के और सब देशों में जाके बोलते थे कि हम तुम्हें सिखाएंगे कि प्रिंटिंग प्रेस को चलाते कैसे हैं, राइट? सो प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी वो ट्रैवल टू अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड हेल्प इन स्टार्टिंग अ न्यू प्रेस, है ना, नई प्रेसेस को स्टार्ट करने में हेल्प करते थे। इट इंक्रीज, अच्छा इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इससे नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज हुई। तो गाइस याद रखो, पूरा पूरा लाइन मत लिखो अगर अपने नोट्स बना रहे हो, नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज हुई, उससे प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा एक एक बूस्ट आया। एंड सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी में हम देखते हैं 20 million बुक्स जो है मार्केट में है, बाय 16th सेंचुरी 200 million कॉपीज जो है वो मार्केट में है। अब आप सोचोगे कि मैम ग्यूटेनबर्ग ने जो प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी वो तो इतनी तेज नहीं थी, तो ग्यूटेनबर्ग ने विद टाइम अपनी प्रिंटिंग प्रेस को इतना इम्प्रूव कर दिया था दैट वी वर एबल टू प्रिंट सो मैनी बुक्स, राइट? सो थैंक यू मिस्टर ग्यूटेनबर्ग। या आप लोग उसको गाली दे रहे होगे कि पढ़ना पड़ रहा है उनके वजह से, उनसे पहले तो जिंदगी कितनी अच्छी थी, है ना। चलो नाउ गाइस, ये पिक्चर है दैट इज शोइंग अ प्रिंटर शॉप एंड हाउ डिड इट लुक इन द 16th सेंचुरी।
तो सारी एक्टिविटीज जो है एक रूफ के अंडर होती थी। तो जैसे आपके जो कंपोज करते थे, कंपोजिटर्स जो थे, दे आर एट वर्क। कंपोज मतलब क्या टेक्स्ट प्रिंट होगा, दैट इज डन बाय द कंपोजिटर, राइट। फिर आ गए आपके प्रिंटर्स जो एक्चुअली पूरा यू नो करते हैं कि स्क्रू व्रू ठीक करते हैं प्रिंटिंग मटेरियल के हिसाब से कि इस टाइम पे ए नीचे आएगा, इस टाइम पे बी नीचे आएगा, वगैरह वगैरह, दैट इज द वर्क ऑफ द प्रिंटर। फिर उसके बाद जब प्रिंट एक्ट होगा, फिर प्रूफ रीडर्स होते थे जो सारा प्रिंटेड मटेरियल को एक बार पढ़ते थे, दे यूज टू गो थ्रू इट, राइट। फिर आपका जो फाइनल प्रोडक्ट था, वहाँ पर पेजेस रखे जाते थे एंड देवर यू नो देवर प्रिपेयर्ड, राइट। एंड फिर गैलरीज होती थी जहाँ पर द इंक इज बीइंग अप्लाइड ऑन द मेटल टाइप्स, भाई मेटल पे इंक अप्लाई करके पेपर पे डाला जाता था एंड इट वॉज रेडी फॉर सेलिंग इन द मार्केट, राइट। तो ये सारा जो प्रिंटिंग का काम था वो एक रूफ के, एक छत के नीचे होता था, राइट। चलो नाउ अब आता है, तो ग्यूटेनबर्ग की इस प्रिंटिंग प्रेस के वजह से एक नई रेवोल्यूशन आता है जो दुनिया में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंट रेवोल्यूशन। व्हाट इज प्रिंट रेवोल्यूशन, व्हाट वाज इट्स इंपैक्ट इन द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप कह सकते हो कि सबसे पहला तो प्रिंट रेवोल्यूशन के वजह से जिस तरीके से हम बुक्स को प्रिंट करते थे उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है ना, इट गेव अस अ न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स। दूसरा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथों में किताबें आ गई, वी हैव मोर एंड मोर एक्सेस टू प्रिंटेड मटेरियल, तो हमारी जिंदगी बदल गई, हमारा रिलेशनशिप विद नॉलेज विद इंफॉर्मेशन बदल गया। क्योंकि याद रखना, पहले ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन सिर्फ रिच लोगों पे, सिर्फ यू नो जैसे किंग्स और क्वींस और नोबिलिटी पे होता था, अब नॉर्मल लोगों के पास भी ये नॉलेज आने लगी, राइट। तो कैसे उन्होंने लोगों की जिंदगी बदली, कैसे उनका रिलेशनशिप बदला विद इंस्टीट्यूशंस, विद द किंग, विद मोनार्की, राइट। एंड कैसे जो है पॉपुलर परसेप्शंस ने लोगों को और अवेयर किया, है ना, इट मेड अस रियलाइज कि दुनिया में काफ़ी चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ द प्रिंट रेवोल्यूशन, इसको अब हम और डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जैक्टली, ठीक है। अब हम देखते हैं, अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज्ड, क्वेश्चन एग्जाम में क्या आ सकता है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, है ना, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, अगर आपको चैप्टर अच्छी तरीके से पता है, यू नीड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ द क्वेश्चन दैट विल कम इन द एग्जाम। बट क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि कैसे एक नया रीडिंग पब्लिक इमर्ज हुआ यूरोप में, तो आप बोल सकते हो कि जो प्रिंटिंग है इट रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ बुक्स, मतलब क्योंकि प्रिंटिंग अब काफ़ी सस्ती हो गई, क्योंकि यू नो ज्यादा से ज्यादा बुक्स पब्लिश होने लगी, तो जो कॉस्ट प्रिंट बढ़ गया, अरे प्रिंट बढ़ गया, तो यू कैन से दैट द कॉस्ट ऑफ बुक्स केम डाउन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ बुक्स केम डाउन, नॉट जस्ट द कॉस्ट ऑफ बुक्स बट ऑल्सो द टाइम एंड लेबर, जो जितना टाइम और लेबर लगता था बुक्स को प्रोड्यूस करने का वो भी कम होने लगा, तो मल्टीपल कॉपीज जो है काफी ज्यादा मार्केट में आने लगी, एंड यू कैन से दैट द बुक्स फ्लडेड द मार्केट रीचिंग एन एवर ग्रोइंग यू नो रीडरशिप, राइट, दैट इज व्हाट, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास बुक्स आने लगी। अब वो कॉमन पीपल को कैसे उसने इम्पैक्ट किया, तो गाइस पहले जो है मैंने आपको बता रखा है कि जो प्रिंटेड मटेरियल था वो सिर्फ राजाओं तक सीमित था, है ना, नोबेल फैमिलीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस तक सीमित था। अब कॉमन पीपल बुक्स पढ़ने लग गए, तो पहले लोग जो है ओरल कल्चर में, दे यूज टू स्प्रेड नॉलेज थ्रू ओरल कल्चर, ओरल कल्चर मतलब दादाजी कहानी सुना रहे हैं, पापा फिर हमें वो कहानी सुना रहे हैं, है ना, तो बोल बोल के स्टोरीज, बैले, फोक टेल्स, लोकल कल्चर, लोकल स्टोरीज को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाया जाता था, है ना, बात आप, और लिटरेसी रेट भी बड़ा लो था, ऐसा नहीं था लोगों को पढ़ना लिखना आता था, क्यों पढ़े लिखे जब बुक्स ही अवेलेबल नहीं है, है ना, बुक्स बड़ी एक्सपेंसिव होती थी पहले। सो क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द पब्लिशर्स परसुएड द कॉमन पीपल टू रीड बुक्स, जो पब्लिशर्स है हाउ डिड दे परसुएड द कॉमन पीपल टू रीड बुक्स, क्या क्या उन्होंने जिसे कॉमन पीपल जो अभी तक इलिटरेट था, जो अभी ओरल कल्चर पे डिपेंड करता था, वो कैसे किताबें पढ़ने लगा,
right? So even those who did not read could certainly enjoy listening to books getting read out. बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है. जैसे अभी जब हम बचपन से अपने आप को देखते हैं तो एक पॉइंट था जब हमको लिखना पढ़ना नहीं आता था, बट मम्मी पापा हमें स्टोरीज सुनाते थे और हमें बहुत अच्छा लगता था वो स्टोरी सुनना. या फिर आजकल जब हम टीवी पे शोज देखते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है. तो बस वैसे ही जो जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था उन्हें स्टोरी सुनना अच्छा लगता था. तो पब्लिशर्स ने क्या किया, जो बुक्स थी वो एक तरीके से सुनाने लग गए एक पब्लिक को. हाँ, तो वो सुनाने लग गए एक पब्लिक को. सॉरी माय मॉम कॉल्ड. तो प्रिंटर्स बिगन पब्लिशिंग पॉपुलर बैले एंड फोक टेल्स एंड सच बुक्स वुड बी प्रोफ्यूसली इलस्ट्रेटेड विद पिक्चर्स. जैसे आजकल बच्चों की बुक्स में काफ़ी स्टोरीज होती है और काफ़ी पिक्चर्स भी होती है. तो पब्लिशर्स भी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन पीपल पढ़े वो बुक्स पब्लिश करने लगे जिसमें बहुत बड़ी पिक्चर्स होती थी, बहुत बड़ी अच्छी स्टोरीज होती थी, है ना. फिर उनको गैदरिंग्स में गाया जाता था, सिंग कराया जाता था. बल्कि मैं एक शो देख रही थी हिस्ट्री चैनल पे, तो उसमें बुक रीडर्स को पैसे दिए जाते थे कि आप आओ और बुक पढ़ो, यू नो, गैदरिंग के लिए, है ना. बट विद टाइम हम देखते हैं कि लोग फ्रॉम अ हियरिंग पब्लिक टू रीडिंग पब्लिक में कन्वर्ट होने लगती है. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इंटरेस्ट आने लगता है कि हम भी पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ने लगते हैं, ठीक है. हाउ डिड दैट हैपन वो भी हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, राइट. तो ओरल कल्चर दस एंटर्ड प्रिंट. प्रिंट और ओरल कल्चर इंटरमिंगल हो गए, है ना, कि जो प्रिंटेड मटेरियल है उसको ओरली ट्रांसमिट किया जाने लगा, राइट. तो इट गॉट ब्लर्ड विद टाइम. लोग भी लिटरेट हो गए पर अभी काफ़ी कॉमन पीपल प्रिंटेड मटेरियल में इंटरेस्टेड थे क्योंकि वो कहानियाँ उन्हें सुनाई देने लग गई. अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगेन दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. हाईलाइट द थ्री सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द इंटरमिंगलिंग ऑफ द हियरिंग कल्चर एंड रीडिंग कल्चर. तो अभी तक हमने जो पूरी कहानी पढ़ी कि कैसे जो है बुक सस्ती हो गई, कैसे जो है जो कॉमन पीपल था उनके पास पब्लिकेशंस बहुत बड़ी पिक्चर्स लेके उनके पास वो बुक्स देने आए, कैसे बैलेज और फोक टेल्स टैवर्न्स में सुनाई जाने लगी. टैवर्न्स मतलब जहाँ लोग आते थे, पीते थे, गपशप करते थे, है ना, वहाँ पर बुक्स पढ़ी जाने लगी. एंड दैट इज़ हाउ द हियरिंग कल्चर एंड द रीडिंग कल्चर गॉट इंटरमिंगल्ड, ठीक है. आई होप इट्स क्लियर. चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं. ऑलराइट, अब हम आते हैं अगेन एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एंड दैट इज रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट, राइट. तो गाइस द प्रिंट क्रिएटर, अगेन नोट्स बना रहे हो तो अच्छी तरह लिखो कि जो प्रिंट है क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज. बुक्स प्रिंट होना सस्ती हो गई तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आइडियाज प्रिंट करने लग गए. तो आप कहोगे कि मैम इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है. बट जो लोग एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी से डिसएग्री करते थे वो भी अपने आइडियाज प्रिंट और सर्क्यूलेट करने लग गए. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि आज मुझे सरकार बिल्कुल नहीं पसंद. एग्जाम्पल है, भड़क मत जाना यहाँ पर, है ना. मैं कहूँगी मुझे नहीं पसंद ये सरकार, तो आज मेरे पास कितने प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें मैं सरकार की बुराई कर सकती हूँ. ट्विटर है, फेसबुक है, ये है, वो है. बट उस टाइम पे पहली बार लोगों के हाथ में एक वेपन आया और उस हथियार का नाम न्यूक्लियर वेपन नहीं था, उस हथियार का नाम था पेन, प्रिंट, है ना. तो उस प्रिंट के थ्रू लोग जिनको निराशा थी मोनार्की से, चर्च से, वो अपने ओपिनियंस लिखने लग गए, है ना. दे स्टार्टेड नाउ यू नो दे कुड परसुएड पीपल टू थिंक डिफरेंटली एंड मूव देम टू एक्शन. प्रिंट के माध्यम से वो लोगों को भड़का सकते थे, लोगों को पीस में रख सकते थे और उनको एक्शन की तरफ मूव कर सकते थे. इट वॉज द वन ऑफ द बिगेस्ट वेपन्स दैट आई थिंक दैट केम इन द हैंड ऑफ द कॉमन पीपल. अभी तक तो राजा के सामने आप बोलते रहो, राजा अपने पैलेस के अंदर सो रहा है, उसको नहीं सुनाई दे रहा. बट अब राजा को सुनना पड़ेगा, है ना. बट हाउएवर नॉट एवरीवन वेलकम्ड द प्रिंटेड मटेरियल. काफी लोगों को डर भी लगता था कि ये जो फैल रहा है ना, मतलब प्रिंटेड मटेरियल, इससे नुकसान भी हो सकता है. सो क्वेश्चन है, व्हाट वर द फियर्स एसोसिएटेड विद द प्रिंट. क्या डर था लोगों को इस प्रिंट के फैलने से. तो आप कहोगे कि कुछ लोगों को लगा कि अगर इस प्रिंट पे हम लोग
कंट्रोल नहीं ला पाई. इफ देयर वाज नो कंट्रोल ओवर व्हाट वाज प्रिंटेड देन रिबेलियस एंड इररिलीजियस थॉट्स माइट स्प्रेड. है ना? टू गिव यू अ वेरी क्लियर एग्जांपल, अगेन दिस कॉन्सेप्ट समझो फिर इजी होगा लर्न करना. है ना? तो जब हम आई वाज इन अ कॉन्वेंट स्कूल तो हमारे लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन था कि आप बस इतनी बुक्स पढ़ सकते हो. हैरी पॉटर हमें पढ़ना अलाउड नहीं था क्योंकि अपेरेंटली वो आई डोंट नो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट था. मैजिक है ना, तो भगवान ही मैजिक कर सकते हैं, उसमें हैरी पॉटर मैजिक कर रहा है. तो एनीवेज तो उसमें हम वी वर नॉट अलाउड टू रीड, क्योंकि था कि अगर वो पढ़ लिया तो हम इररिलीजियस बन जाएंगे, हम भगवान पे भरोसा कम करेंगे, हम हैरी पॉटर पे ज्यादा भरोसा करेंगे. तो वैसे यहाँ पर लोग थे जो कह रहे कि अगर प्रिंट मटीरियल फैलने लग गया तो लोग जैसे पंक आ जाएंगे लोगों के दिमाग में. है ना? लोग सोचने लगेंगे कि भगवान कुछ है ही नहीं, इररिलीजियस बातें सोचने लगेंगे, रिबेलियस कि राजा के अगेंस्ट हमें कुछ करना चाहिए, तो रिबेल बनने लगेंगे. राइट? एंड अगर ये हो गया तो जो वैल्यूएबल लिटरेचर है, वैल्यूएबल लिटरेचर जैसे इंडिया में गीता हो गई, बाइबल हो गया, जो वैल्यूएबल है, जो भगवान का लिटरेचर है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि लोग उसको समझेंगे ही नहीं ना. लोग कहेंगे तो बेकार है. राइट? वैल्यूएबल हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. राइट? तो मोस्टली हम फियर किन किन लोगों में देखते हैं? हम देखते हैं कि रिलीजियस अथॉरिटीज, मोनार्क्स और काफी सारे ऐसे राइटर्स थे जो प्रिंट से डरने लग गए क्योंकि उन्हें लगा कि अगर ज्यादा से ज्यादा प्रिंट सर्कुलेट होगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा इररिलीजियस थॉट सोचने लगेंगे. ठीक है गाइस, आई होप अगेन इट्स क्लियर. राइट? अब व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ प्रिंट ऑन रिलीजियस लाइफ इन अर्ली मॉडर्न यूरोप? इसका एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आता ही आता है, एंड दैट इज मार्टिन ल्यूथर किंग. मार्टिन ल्यूथर किंग ने 1517 में किताब लिखी, 95 थीसिस, और ये किताब इतनी पावरफुल थी कि उसने एक पूरा धर्म ही बदल डाला. नाउ यू कैन इमेजिन व्हाट अ बिग वेपन प्रिंट वाज इन द हैंड्स ऑफ द कॉमन पीपल कि एक रैंडम आदमी ने कोई किताब लिखी और एक ऐसा धर्म जो इतने सालों से दुनिया में चल रहा था वो ही उसी में दरार आ गई. एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन. अब आपके दिमाग में होगा कि ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन है क्या, किस दाल की मूली है, किस मूली की, एनीवेज किस खेती की मूली है. हाँ, तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो है 16 सेंचुरी एक मूवमेंट था, जो 16 सेंचुरी में शुरू हुआ to reform the Catholic Church dominated by Rome. Martin Luther ने बोला कि ये जो Christianity है, जो पोप, जो रोम का जो पोप है, जो religious authorities है, उन्होंने control कर रखा है, उसमें काफी खराबी है, उसमें काफी problems है. है ना? तो ये जो उन्होंने reform शुरू किया, इसको हम लोग बोलते हैं Protestant reform, जो ब्रिटेन में बहुत ज्यादा बड़ा हुआ. है ना? इसलिए ब्रिटेन में कैथोलिसिज्म एक तरीके से हटा के उसने प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को एस्टैब्लिश हुआ. राइट? सो सेवरल ट्रेडिशंस ऑफ एंटी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी डेवलप्ड आउट ऑफ द मूवमेंट. तो काफी सारे एंटी क्रिश्चियनिटी मूवमेंट्स जो है डेवलप होने लगे बिकॉज ऑफ मार्टिन ल्यूथर्स बुक 95 थीसिस. अब मार्टिन ल्यूथर थे बहुत दबंग, उन्होंने बुक ही नहीं लिखी, उन्होंने उससे आगे एक कदम बढ़ाया, उन्होंने उसकी प्रिंटेड कॉपी को चर्च में भेजा इन विटेनबर्ग और चर्च को बोला आजो आर्ग्यू करो मुझसे, मैंने ये थीसिस लिखी है, मैंने आपकी यहाँ पर बुराई की है, व्हाई डोंट यू कम आउट एंड डिबेट विद माय आइडियाज. राइट? लूथर ऑब्वियसली फिर उनको परसिक्यूट भी किया गया, चर्च ने बोला तुम कौन हो, चीटी, हम हाथी, चीटी से कौन आर्ग्यू करता है, बट वो कहानी आपकी बुक में नहीं है तो हम नहीं जाते. तो जो ल्यूथर है उनकी जो राइटिंग्स है वो काफ़ी रिप्रोड्यूस होने लगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ने लग गए, एंड एज आई सेड इसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन आया, चर्च में एक डिविजन आ गया. ठीक है? देयर वाज अ डिविजन विद इन द चर्च. गाइज आई होप इट्स क्लियर. यस, ऑल राइट. अब हाँ, तो मार्टिन ल्यूथर की जो बुक थी वो इतनी ज्यादा सेल होने लगी कि कुछ ही हफ्तों में वापस से उसका एक नया एडिशन प्रोड्यूस करना पड़ा. नया एडिशन मतलब जब प्रिंटिंग प्रेस एक फर्स्ट एडिशन प्रिंट करती है तो एक ऑर्डर लेके चलती है कि हम 10,000 बुक्स को प्रिंट करेंगे या 5,000 बुक्स प्रिंट करेंगे पॉपुलैरिटी के हिसाब से. है ना? बट इतनी बिक जाती है तो वापस से प्रिंटिंग प्रेस प्रिंट करने लगती है, दैट इज द सेकेंड एडिशन.
राइट, तो उसने काफी एडिशंस प्रिंट हुए इस बुक के। मार्टिन ल्यूथर ने खुद बोला, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाई वाज मार्टिन ल्यूथर किंग इन फेवर ऑफ प्रिंट, एक्सप्लेन थ्री रीजंस। तो आप बोल सकते हो कि भैया मार्टिन ल्यूथर किंग यूज्ड प्रिंट टू स्प्रेड हिज आइडियाज, दैट आइडिया लेड टू द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, यू नो, एंड दैट इज व्हाई ही वाज इन फेवर ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनकी मदद की प्रिंट टेक्नोलॉजी में। सबसे बड़ा वेपन उनके हाथ में प्रिंट था और उन्होंने उसको यूज कर लिया, तो ऑब्वियसली उसकी फेवर में होंगे, है ना। सेवरल स्कॉलर्स थॉट दैट प्रिंट ब्रॉट अ न्यू इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर एंड हेल्प स्प्रेड द आइडियाज दैट लेड टू द रिफॉर्मेशन। काफी स्कॉलर्स को लगा कि प्रिंट के वजह से एक इंटेलेक्चुअल कल्चर पैदा हो रहा है। इंटेलेक्चुअल कल्चर मतलब जहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग इंटेलेक्ट मतलब होशियारी की बातें कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, रीजन कर रहे हैं, है ना, डिबेट डिस्कशन हो रहा है, विच इज ट्रू। जैसे मुझे चैट बॉक्स में दिख रहा है काफी इंटेलेक्चुअल बातें हो रही है, और नहीं कहूंगी। चलो अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट इमेज पे इन योर एनसीईआरटी। तो यहाँ पर कुछ उस टाइम ना काफी इमेजेस प्रोड्यूस हो रही थी यूरोप में फॉर एंड अगेंस्ट प्रिंट। तो ये प्रिंट है, दैट इज फॉर प्रिंट, जो एक तरीके का सेलिब्रेशन है कि प्रिंट हमारी दुनिया में है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक प्रिंटिंग मशीन है, नहीं दिख रहा तो और फोकस कर लो, ठीक है। और यहाँ पर दो गॉडेसेस है, राइट, इट इज कैरीड बाय टू गॉडेसेस। एक गॉडेस है मिनर्वा, दैट इज द गॉडेस ऑफ विजडम। हमारे यहाँ कौन है गॉडेस ऑफ विजडम, हिंदुइज्म में या जिस भी आप रिलीजन में हो, कोई ना कोई होता ही है। तो मिनर्वा जो है वो गॉडेस ऑफ विजडम है, जैसे माया सरस्वती होती है, ठीक है। एंड यू हैव मर्क्यूरी, द मैसेंजर गॉड, ऑल्सो सिंबलाइजिंग रीजन। तो दो गॉडेसेस जो है वो प्रिंटिंग प्रेस हेवन से धरती पर ला रही है, एक है गॉडेस ऑफ विजडम और एक है गॉडेस ऑफ रीजन, ठीक है, राइट। और नीचे ये औरतें कौन है, यहाँ पर उन्होंने प्लाक मतलब एक फोटो की तरीके से हाथ में रखा हुआ है। किसका फोटो है, जैसे यहाँ पर फोटो है ग्यूटेनबर्ग का, ग्यूटेनबर्ग भगवान ने ही तो भेजा है प्रिंटिंग प्रेस दुनिया में फैलाने के लिए। वैसे अलग अलग लोगों का है जिन्होंने फोरग्राउंड में आप देख सकते हो, अलग अलग औरतों ने इनका प्लाक्स लेके यू नो बैठे हैं, पीपल हु हैव स्प्रेड प्रिंट अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, दैट्स इट। लाइक एक तरीके से दे आर शोइंग अ सेलिब्रेशन ऑफ प्रिंट, है ना। चल अब हम आते हैं प्रिंट एंड डिसेंट, गिव मी वन सेकंड। अब हम आते हैं प्रिंट एंड डिसेंट पे। तो गाइस प्रिंट जो है, प्रिंट के वजह से काफी, एज आई सेड, काफी ज्यादा जो एक कल्चर ऑफ डिबेट और डिस्कशन शुरू होने लगा, नॉट जस्ट अमंग्स द यू नो थोड़े होते हैं ना अमीर लोग या ऐसा कुछ नहीं, बट इवन अमंग्स द लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपल, जिनकी बहुत कम एजुकेशन थी, वो भी बुक्स पढ़ के इंस्पायर होने लग गए। जैसे आपका था मेनोकियो जो है 16 सेंचुरी के मिलर थे, एंड अगेन वेरी पुअर, बट ही ऑल्सो रेड द बाइबल। बाइबल सभी पढ़ लेते थे उस टाइम, क्योंकि उनका रिलीजन था पढ़ेंगे ही, है ना, तो री इंटरप्रेट करने लगे द मैसेज ऑफ बाइबल। नो अगेन गाइज, आई नो दैट यू आर लर्निंग बिकॉज एग्जाम्स आ रहे हैं, बट आई वॉन्ट यू टू इमेजिन कि एक ऐसी दुनिया जहाँ क्वेश्चन करना गुनाह था। आज तक चर्च की तो कोई बुराई भी नहीं करता था, शायद मुँह पे आ जाए तो आपको हैंग कर दिया जाता था फॉर यू नो बीइंग इररिलीजियस, फॉर हेरेसी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बट उन्होंने एक ऐसे इंसान ने जो एक वर्कर है, उन्होंने री इंटरप्रेट किया द मैसेज ऑफ बाइबल, राइट। उन्होंने बोला कि नहीं, भगवान जी ऐसे बने हैं, क्रिएशन ऑफ गॉड ऐसे हुआ है, विच वॉज अगेंस्ट द रोमन कैथोलिक चर्च। ऑब्वियसली उससे चर्च बड़ा गुस्सा हुआ कि ये कौन आदमी है बोलने वाला भगवान कैसे पैदा हुआ है। तो यू नो द रोमन चर्च ने ऐसे काफ़ी सारे उस टाइम पे इंक्विजिशंस निकाले। इंक्विजिशंस मतलब इंक्विजिशन मतलब वो नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, तो उन्होंने काफी सारे इंक्विजिशंस, काफी सारे इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन करना शुरू हुआ किया, सो दैट ऐसे हेरिटिकल आइडियाज। तो गाइस ये वाले टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनो। इंक्विजिशन होता है अ फॉर्मर रोमन कैथोलिक कोड फॉर आइडेंटिफाइंग एंड पनिशिंग हेरेटिक्स। तो जो लोग रिलीजन के अगेंस्ट बोलते हैं, उनके ऊपर केस डालना, उनके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स निकालना को हम बोलते हैं इंक्विजिशन।
तो काफी सारे इंक्विजिशन हुए उन लोगों के अगेंस्ट जो बोलते थे दुनिया गोल है, क्योंकि चर्च क्या बोलता था, दुनिया फ्लैट है, जो बोलते थे कि भैया भगवान तो ऐसा पैदा हुआ, तो चर्च उनके ऊपर इंक्विजिशन कर देगा और उनको क्या बुलाएगा, हेरेटिकल। हेरेटिकल वो लोग होते हैं जो चर्च के अगेंस्ट जाते हैं, जो चर्च की टीचिंग्स को फॉलो नहीं करते। आई थिंक आजकल सब लोग ही हेरेटिकल है ना, हम सभी सब भगवान जी को क्वेश्चन करते रहते हैं, राइट। हेरेसी वाज सीन एज अ थ्रेट टू द राइट्स ऑफ द चर्च, इट वाज ऑब्वियसली सीन अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ द चर्च, तो हेरेटिकल लोगों को बहुत ज़्यादा पनिश किया जाता था। तो जो मेनोकियो है उनको फाइनली उनके ओपिनियंस के वजह से एग्जीक्यूट कर दिया, मार दिया गया। एंड ही वाज नॉट द फर्स्ट वन, द चर्च एक्चुअली हैज किल्ड मेनी पीपल, यू नो मेनी पीपल हु आर स्कॉलर्स बिकॉज दे वेंट अगेंस्ट द आइडियाज ऑफ द चर्च, राइट। तो रोमन चर्च, अच्छा बाय द वे जस्ट टू से दिस इज हिस्ट्री, है ना, वी कैन नॉट से कि वो चर्च आज का चर्च सेम है, थिंग्स चेंज्ड विद टाइम, है ना, इसी को हिस्ट्री बोलते हैं कि कैसे टाइम बदला, कैसे पावर बदली। उस टाइम पे चर्च पे इतनी पावर थी, राइट। तो जो रोमन चर्च थे इट वॉज ट्रबल्ड कि इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, इतने सारे लोग जो है वो अपने ओपिनियंस और थॉट्स लिख रहे हैं। तो फाइनली रिमेंबर गाइस, इंपॉर्टेंट डेट, इंपॉर्टेंट पार्ट, फाइनली उन्होंने बनाया इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स होता है एक ऐसा, उन्होंने एक इंडेक्स बनाया कि ये वाले जो बुक्स हैं वो बुक सेलर्स को बेचना मना है, और अगर आपके सामने आ भी गया तो आपको खरीदना मना है। इफ यू आर कॉट सेलिंग और बाइंग दीज बुक्स, यू नो व्हाट विल बी डन, इंक्विजिशन होगा एंड यू विल बी हैंग, राइट। तो उन्होंने इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स बनाया कब, 1558 में, राइट। अब हम देखते हैं अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंट, एंड दैट इज द मैकबर डांस। नाउ गाइस, मैकबर मतलब जो जहाँ जहाँ लोगों को दफनाया जाता है, द मैकबर डांस, बहुत डेथ डेथ डांस जिसको बोलते हैं। तो जिन लोगों को प्रिंट से काफ़ी डर लगता था, यू नो दे यूज टू मेक प्रिंट्स लाइक, दे यूज टू मेक कार्टून्स लाइक दैट, प्रिंट को यूज करके दे यूज टू से थिंग्स अगेंस्ट प्रिंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ 17th सेंचुरी प्रिंट, जहाँ पर दिखाया गया है कि ये प्रिंटिंग एक वर्कशॉप है, प्रिंट वर्कशॉप, और यहाँ पर स्केलेटन्स है। व्हाट डू यू सी, वी हैव स्केलेटन्स इन द प्रिंटिंग वर्कशॉप हु आर यू नो गोइंग अराउंड, जो हाथ जो प्रिंट कर रहे हैं ना उन लोगों के हाथ हिला रहे हैं पपिट्स की तरह, राइट। तो एक तरीके से यही दर्शाया गया है कि अगर आप प्रिंट पढ़ोगे, अगर हम प्रिंट को दुनिया में फैलाएंगे तो दैट विल मीन द एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट। इट इज अ साइट ऑफ द डांस ऑफ डेथ। Skeletal figures controlled the printer and his workers, defined and dictated what is to be done and what is to be produced. तो काफी लोगों को लगता था कि जो प्रिंट है इट इज डीमन, है ना, और ये हमारी दुनिया को खात्मा की तरफ ले जाएगा, राइट। ऑलराइट, चलो अब हम देखते हैं दैट वी सी द इमर्जेंस ऑफ समथिंग कॉल्ड द रीडिंग मेनिया। रीडिंग मेनिया के गाइस चार पार्ट्स है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 मार्कर या 5 मार्कर दोनों में से आ सकता है। इसमें हम लोग 4 पार्ट्स पढ़ेंगे। पहला, कैसे लिटरेसी रेट बढ़ा और उसका क्या इम्पैक्ट रहा। दूसरा, कैसे नए फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर है, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ने लग गए तो उनकी डिमांड्स पूरी करने के लिए नई नई लिटरेचर आई। सब लोग एक तरीके की बुक्स तो पढ़ते नहीं, तो हम वो देखेंगे, ठीक है। थर्ड हम देखेंगे कि पीरियोडिकल प्रेस क्या होती है और वो कब आया, राइट। एंड फोर्थ हम देखेंगे कि कैसे जो फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट के आइडियाज थे वो फैलने लग गए। एंड ऑल ऑफ दीज 4 आर द रीजन फॉर द इमर्जेंस ऑफ अ रीडिंग मेनिया। रीडिंग मेनिया मतलब रीडिंग का पागलपन, पढ़ने का पागलपन, जैसे बीच में सेल्फी लेने का पागलपन नहीं था लोगों को, वैसे रीडिंग मेनिया। शायद 100 साल बाद लोग पढ़ेंगे सेल्फी मेनिया हमारे बारे में, है ना, वी नेवर नो। चलो अच्छा, आई थिंक एक स्लाइड वो हो गया, कोई बात नहीं। तो हम गाइस इस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है लिटरेसी रेट, क्या रीजन है उसका। तो गाइस उस टाइम पे जो चर्च होते थे उन्होंने काफी सारे स्कूल्स एस्टैब्लिश किए। अब आप कहोगे कि मैम चर्च तो प्रिंट के अगेंस्ट था। नहीं,
चर्च प्रिंट के अगेंस्ट नहीं था, चर्च को लगता था कि प्रिंट होना चाहिए क्योंकि प्रिंटिंग के थ्रू वो क्रिश्चियनिटी फैला रहे थे दुनिया में, है ना। तो उन्होंने स्कूल्स एस्टैब्लिश किए जिससे लोग पढ़े लिखे, और क्या पढ़े, बाइबल पढ़े, बाइबल पढ़ के क्रिश्चियनिटी फैले दुनिया में। सो बिकॉज ऑफ दो स्कूल्स जो लिटरेसी है इट रीच द पेजेंट्स एंड द वर्कर्स। ठीक है, ये स्लाइड नहीं थी गाइस, तो मैं लिख के बता रही हूँ तो आप भी लिख लो। तो जो चर्च है उन्होंने स्कूल्स एस्टैब्लिश किए, स्कूल्स एस्टैब्लिश करने की वजह से पेजेंट्स और वर्कर्स तक लिटरेसी फैली। लिटरेसी रेट काफ़ी बढ़ी उस टाइम पीरियड में, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि यू नो जहाँ पर लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, नाउ ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पॉपुलेशन न्यू हाउ टू रीड एंड राइट। राइट, सेकेंड ऑब्वियसली अब ज़्यादा लिटरेसी रेट बढ़ गई तो इसका इम्पैक्ट ये रहा कि पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर मोर रीडिंग मटीरियल, प्रिंटेड मटीरियल, है ना। तो जो बुक सेलर्स हैं उन्होंने ऑब्वियसली बुक सेलर्स को पैसे कमाने हैं, तो उन्होंने पेडलर्स को एम्प्लॉय करना शुरू किया। पेडलर्स कौन होते हैं, जो पेडल चलाते हैं, जो साइकिल चलाते हैं, कोई भी पेडल वाली चीज़ चलाते हैं, उनको उन्होंने हायर किया जो एक गाँव से दूसरे गाँव में जाके किताबें को बेचते थे, सेल करते थे। राइट, क्या किस टाइप की किताबें, तो गाइस एल्मनैक्स या रिचुअल कैलेंडर। क्या होता है एल्मनैक्स या, अच्छा क्या होता है एल्मनैक्स या रिचुअल कैलेंडर। एल्मनैक होता है जैसे जिसमें, जैसे हमारे यहाँ नहीं होती हिंदू कैलेंडर होता है जिसमें सारे हिंदू के इंपॉर्टेंट रिलीजियस इवेंट्स होते हैं, वैसे एल्मनैक्स। राइट, बैले और फोक टेल्स, बैले जो अलग अलग पूरी स्टोरी होती है, प्लेज होते हैं, वो सब बेचने लग गए। एंटरटेनमेंट रीडिंग मटीरियल बिगैन टू रीच ऑर्डिनरी पीपल, है ना, एंटरटेनिंग स्टोरीज जो होती थी, रोमांस जो प्रिंट होती थी 4 से 6 पेजेस की रोमांस, है ना, हम भी पढ़ लें, वैसे टाइप की बुक्स पब्लिश होने लगी। स्टोरीज ऑफ द पास्ट, पुरानी कहानियाँ, है ना, भगवान जी की हो गई, नॉर्मल लोगों की हो गई कहानियाँ, लोगों तक फैलने लगी। अब वन मार्कर क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है। ठीक है गाइज, आई होप अगर आपने ये चैप्टर कभी नहीं किया, प्लीज़ यूज़ दिस वीडियो टू मेक योर नोट्स, क्योंकि आई हैव नॉट लेफ्ट इवन अ सिंगल पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी फॉर टुडेज वीडियो, है ना, हर पार्ट हर लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं। राइट, तो इंग्लैंड में एक नया कॉन्सेप्ट आया पेनी चैप बुक्स का। पेनी चैप बुक्स क्या होता है, जो पेडलर्स थे जो साइकिल पे जाते थे वो किताब बेचते थे फॉर 1-1 और 2-2 पेनी, एक एक पेनी, जो एक पैसा डाइरेक्ट एक पेनी में बेचते थे, जिससे गरीब से गरीब बुक भी उसको खरीद के पढ़ सकता था। सिमिलरली फ्रांस में जो बुक होती थी वो होती थी बिब्लियोथीक ब्लू। बिब्लियोथीक ब्लू क्यों कह रहे हैं, एक तो वो ब्लू कलर की होती थी क्योंकि क्वालिटी ऑफ पेपर होता नहीं बहुत गंदा होता है, तो थोड़ा ब्लूइश कलर का होता है। पता नहीं आप लोगों ने कभी वो रजिस्टर यूज़ किया, थोड़ा ब्लू होता है, मैंने बहुत यूज़ किया मैथ्स के रफ वर्क के लिए, तो वैसे ब्लू होते क्यों, क्यों जहाँ पर ब्लू पुअर क्वालिटी पेपर पे प्रिंटिंग होती थी, सो दैट पुअर पीपल कुड यूज इट, एंड इट वॉज बाउंड इन चीप ब्लू कवर्स, उसको चीप ब्लू कवर्स में बाइंड किया जाता था। अच्छा यहाँ फोटो नहीं है, कोई बात नहीं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डिड न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर इन प्रिंट टारगेटिंग न्यू ऑडियंस इन द 18th सेंचुरी, कि जो पॉपुलर लिटरेचर उस टाइम आया कैसे उन्होंने लोगों को टारगेट किया। तो आप वही लिखोगे एल्मनैक, रिलीजियस बुक्स, कैसे पेनी चैप बुक्स इमर्ज हुई इंग्लैंड में, कैसे बिब्लियोथेक ब्लू आया फ्रांस में, है ना, फ्रांस ही था ना, हाँ ठीक है। चल अब द अदर टाइम ऑफ द अदर टाइप, अच्छा गाइस गिव मी वन सेकंड, ठंडा हो गया है बहुत यहाँ, तो एसी थोड़ा कम कर देते हैं। ऑलराइट, तो गाइस द अदर टाइप ऑफ पीरियोडिकल प्रेस, एक अलग टाइप ऑफ लिटरेचर जो उस टाइम पब्लिश होने लग गई, दैट वॉज द पीरियोडिकल प्रेस, जो 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स डेवलप होने लग गई। वॉट इज पीरियोडिकल प्रेस, फॉर एग्जाम्पल वी गेट न्यूज पेपर एवरी डे, अगर आज मैंने नेशनल ज्योग्राफिक को सब्सक्राइब किया तो मुझे वो मैगजीन मिलेगी एवरी वीक एवरी 14 डेज। तो क्या हो रहा है, पीरियोडिकली थोड़े थोड़े समय में, फिक्स समय में मुझे प्रेस मिलता है, प्रिंटिंग मटीरियल मिलता है। इसी टाइप का पीरियोडिकल प्रेस 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स डेवलप होने लगा, जहाँ पर किताबें जिसमें मैगजीन्स टाइप की किताबें जिसमें एंटरटेनमेंट होता था, यू नो करंट अफेयर्स होते थे, वो पब्लिश होने लगी। न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स जो दुनिया की वॉर के बारे में, दुनिया की स्थिति के बारे में लोगों तक इंफॉर्मेशन फैल यू नो भेजती थी, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होने लगी। राइट, सो दैट इज़ योर पीरियोडिकल प्रेस।
अच्छा लिटरेसी रेट यहाँ आ गया, तो मैंने समझा दिया है गाइस आपको कि कैसे लिटरेसी रेट बढ़ गया. बढ़ गया तो एक वर्चुअल रीडिंग मेनिया होने लगा एंड पीपल वांटेड टू रीड एंड प्रिंटर्स प्रोड्यूस्ड मोर बुक्स इन एवर इंक्रीजिंग नंबर्स. ठीक है, सो दिस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन. अच्छा, फोर्थ पॉइंट, आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट्स एंड फिलोसोफर्स. तो हम देखते हैं कि जो साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स पहले होते थे वो अपने लैबोरेटरी में करते थे, थोड़ा सा उनका जो डेवलपमेंट था थोड़ा दूर फैलता था एंड दैट इज इट. जो ट्रैवलर्स होते थे वो नॉलेज ले जाते थे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. जैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कितने टाइम तक चाइना में थी और कितने टाइम बाद यूरोप तक पहुंची. लेकिन अब ऐसा नहीं रहा. अब अगर आपने कोई नया प्रिंट किया है, कुछ नई टेक्नोलॉजी की है अगर आपने, तो इट ईजिली रीच्ड इवन द कॉमन पीपल, है ना. तो आपके एंशियंट और मेडिवल साइंटिफिक टेक्स्ट जो थे वो पब्लिश होने लग गए, वो साइंटिफिक कम्युनिटी भी पढ़ने लगे, साइंटिफिक डायग्राम्स हो गए, हार्ट कैसा है, लिवर कैसा है, ये सब जो डायग्राम्स थे ये भी लोगों तक पहुंचने लग गए, राइट. साइंटिस्ट जैसे आइजैक न्यूटन है वो जब अपनी डिस्कवरीज फैलाने लग गए तो इट रीच्ड अ मच वाइडर ऑडियंस, जैसे आप तक भी अब आराम से पहुँच ही गई है ना. जैसे राइटिंग्स ऑफ थॉमस पेन, फिलोसोफर्स वॉल्टेयर, रूसो, ये काफ़ी ज़्यादा प्रिंट और रेड लोग पढ़ने लग गए. ठीक है, तो दैट इज द, अच्छा यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स बाय द वे, है ना, कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे. दैट्स देयर आइडियाज अबाउट साइंस, रीजन एंड रैशनैलिटी फाउंड देयर वे इन पॉपुलर कल्चर. तो गाइज अगेन आप कहोगे मैम तो क्या हुआ, है ना, बट गाइज ये जो थॉट्स वो लिखते थे अपने उसी से सोसाइटी में चेंज आया. इसी के वजह से आज जो है हमारे पास राजा नहीं एक डेमोक्रेसी है, क्योंकि लोगों ने लिखना शुरू किया, क्योंकि लोगों के जो आइडियाज थे वो दुनिया में फैले जाने लगे. ठीक है, ऑलराइट, नाउ वी कम टू माय फेवरेट पार्ट. जब कोई इंसान होता है ना जैसे मस्ती लाइन बोल देता है चैप्टर में तो मजा आता है चैप्टर में. तो यहाँ पर एक लाइन है, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. ट्रेम्बल मतलब कांपो, टायरेंट्स मतलब जो लोग दुनिया को अपने फोर्स पे चला रहे हैं, है ना, एक डिक्टेटर जिसको हम बोलते हैं, राइट. ट्रेम्बल, तुम लोग कांपो जो लोग दुनिया को अपने बल पे चला रहे हो. कौन बोल रहा है ये? तो गाइस मिड 18th सेंचुरी में काफ़ी लोगों को लगने लग गया कि जो प्रिंट रेवोल्यूशन आया है इससे हम दुनिया बदल सकते हैं, क्योंकि अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज़ को, जैसे मोनार्की, जैसे राजा का जो राज था मोनार्की, जैसे चर्च हो गया, उसको हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, हम और बात कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं रीज़न पे रादर देन कस्टम पे. जैसे क्वेश्चन करते हैं ना आजकल मम्मी पापा को थप्पड़ मिलता है तो वैसा, राइट. तो बुक्स कुड लिबरेट और चेंज द वर्ल्ड, लिबरेट सोसाइटी फ्रॉम डिस्पोटिज्म एंड टिरनी. डिस्पोटिज्म मतलब एब्सोल्यूटिज्म, एब्सोल्यूट पावर, and herald a time when reason and intellect would rule. It will bring a time jab reason jo hai rule karega duniya ko, right. The common conviction that books were a means of spreading progress and enlightenment. Kaafi logo ko lagne laga ki books se hi enlightenment, awareness duniya mein phailegi, right. Ab hai ye question, ye jo dialogue hai masai kisne bola? तो ये बोला इस इंसान ने, लुइस सेबास्टियन मर्सियर. वन मार्कर में एमसीक्यू में आ सकता है कि ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, दिस लाइन वाज स्पोकन बाय हुम, है ना. तो आप बोलोगे इट वाज स्पोकन बाय लुइस सेबास्टियन मर्सियर, जिन्होंने बोला था कि प्रिंटिंग प्रेस जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल मशीन है ऑफ प्रोग्रेस. अगर आपको प्रोग्रेस करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो प्रिंटिंग प्रेस उसका एकमात्र माध्यम है, है ना. दैट इज द ओनली वे वी कैन बिकम प्रोग्रेसिव. And public opinion is the force that will sweep despotism away. कि लोगों का जो opinion जो अभी तक छुपा रहता था print के वजह से, आज वो despotism को हटा देगा. और हटा दिया जो हम आगे पढ़ेंगे, French Revolution, right? Right. तो guys वो novelist थे by the way, France के, है ना. फ्रांस के ही लोग होते हैं जो ऐसे फैंसी चीज़ें बोलते हैं. मुझे लगता है कि अगर सीरियल होता ना तो फ्रेंच के लोग होते हैं वो मस्त से विलन जो मस्त डायलॉग्स बोलते हैं बीच बीच में, है ना. फ्रांस स्नीजेस, रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, ट्रेम्बल टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. एनीवेज कमिंग बैक, ठीक है. तो मर्सियर जो है ऐसी मस्त सी किताबें लिखते थे, जो नॉर्मली जो हीरो होता था वो किताबें पढ़ के उसमें एक सुपर पावर आ जाती थी, नॉलेज की सुपर पावर,
और उस नॉलेज से वो सोसाइटी में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, एक बहुत बड़ा चेंज लाता था। जैसे आजकल स्पाइडर हमें काट लेता है, स्पाइडर मैन बन जाते हैं, तो मर्सियर की जो किताबें हैं उसमें द हीरो यूज टू रीड बुक्स एंड बिकम हीरो, सुपर हीरो, है ना। कन्विंस दैट द पावर ऑफ प्रिंट वुड ब्रिंग एनलाइटनमेंट एंड डिस्ट्रॉय डिस्पोटिज्म, मर्सियर ने बोला, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि डरो तुम लोग क्योंकि प्रिंट आ गया है और प्रिंट से तुम लोगों की जो अभी तक की पावर थी वो जाने वाली है। ठीक है, और गाइस जल्दी से बताते भी रहो कि समझ आ रहा है या नहीं, है ना, और थम्स अप भी देते रहो। ओके, अब हम आते हैं चैप्टर के अगले पार्ट पे, दैट इज प्रिंट कल्चर एट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो गाइस अगेन क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हाउ डिड प्रिंट लीड टू एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, प्रिंट ने कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन लाया, है ना, मतलब व्हाट वाज इट्स कंट्रीब्यूशन टू फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो काफी सारे ऐसे हिस्टोरियंस हैं कि बोलते हैं जो कि अगर प्रिंट नहीं होता तो शायद ये फ्रेंच रेवोल्यूशन भी नहीं होता। तो वो इसके क्या क्या रीजंस देते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आ गया तो बल्ले बल्ले करना क्योंकि आसान है ना। तो इसके तीन पॉइंट्स हैं, ठीक है, 1, 2, 3। तो हम सबसे पहले पॉइंट पे देखेंगे, प्रिंट जो है इट पॉपुलराइज्ड द आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट थिंकर्स, राइट। कैसे किया, हाउ डिड दैट हैपन, पॉपुलराइज मतलब जो उस टाइम के एनलाइटनमेंट थिंकर्स हैं, एनलाइटनमेंट थिंकर्स वो वाले थिंकर्स हैं जैसे रूसो, वोल्टेयर, जो काफ़ी नए नए आइडियाज जो है प्रिंट के थ्रू लोगों तक फैला रहे थे, है ना। सो कलेक्टिवली देयर राइटिंग्स प्रोवाइडेड अ कॉमेंट्री ऑन ट्रेडिशन, कॉमेंट्री मतलब व्याख्या, नाक बंद हो गई, कॉमेंट्री मतलब व्याख्या, मतलब अपने ओपिनियंस, अपनी जो सोच थी, अपना जो तर्क था वो लोगों के सामने रखने लग गए। किस बात पे, ट्रेडिशन पे, कि भैया हम ट्रेडिशन क्यों फॉलो करें, है ना। दे स्टार्टेड सेइंग थिंग्स अगेन सुपरस्टिशन की, सुपरस्टिशन क्यों फॉलो कर रहे हो, एंड अगेंस्ट डिस्पोटिज्म, दे सेड कि राजा की बात क्यों माने, जस्ट बिकॉज ही इज बॉर्न इन अ राजास फैमिली, है ना। तो कस्टम की जगह वो रीजन पे फोकस करने लग गए, राइट। दे अटैक्ड द अथॉरिटी ऑफ द चर्च, उन्होंने बोला कि जो डिस्पोटिक पावर है राजा का वो क्यों है राजा के पास, हम क्यों माने राजा की बात। उन्होंने जो सोशल ऑर्डर इतने सालों से जो एक सामाजिक ऑर्डर था, सोशल ऑर्डर था, जहाँ पर राजा का बेटा राजा बनेगा, फार्मर का बेटा फार्मर बनेगा, जो थर्ड एस्टेट है वो फाइन देगा, वो टैक्स देगा, ये जो ऑर्डर चलता आ रहा था इतने सालों से, उसको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन तो पहले भी करते थे ना, ऐसा तो है नहीं अभी सब भगवान जी ने बुद्धि दी है, क्वेश्चन पहले भी करते थे, बट अब प्रिंट के वजह से ये जो क्वेश्चन थे, ये जो थॉट्स थे, ये काफी लोगों में फैलने लगा, राइट। द राइटिंग्स ऑफ वोल्टेयर एंड रूसो, याद रखो इन दो हीरो को, वोल्टेयर और रूसो, इनकी जो बातें हैं ये काफी ज्यादा फैलने लग गई, आंखें खोली उन्होंने लोगों की, एंड पीपल स्टार्टेड बीइंग क्वेश्चनिंग एंड बिकेम क्रिटिकल एंड रैशनल, दैट इज क्वेश्चन, लोग जो है क्वेश्चन करने लग गए और सोचने लगे कि हाँ भाई रूसो वोल्टेयर तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं और राजा आराम की जिंदगी जी रहा है, तो ये कैसे, है ना। तो एनलाइटनमेंट थिंकर्स की जो थॉट्स थे वो प्रिंट ने पॉपुलराइज किया, वो प्रिंट ने आम लोगों तक पहुँचाया, ठीक है। सो दैट वॉज वन ऑफ द रीजन फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट। सेकेंड पार्ट क्या है, प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। अब जब लोगों तक किताबें पहुंची, वोल्टेयर और रूसो और इसकी और उसकी, तो लोग ऑब्वियसली चुपचाप घर पे तो टॉयलेट में नहीं पढ़ेंगे ना उस किताब को, तो वो पब्लिक में लोग उस बुक के बारे में डिस्कस करने लग गए कि यार तुमने वोल्टेयर पढ़ा, उसमें तो वो राजा के अगेंस्ट ऐसे बोल रहे हैं कि पावर जो है वो हमारे पास होनी चाहिए, है ना। तो पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, पीपल स्टार्टेड रीजनिंग, लोग जो है अपने जो पुराने ख्यालात हैं उसको क्वेश्चन करने लग गए। ये एक नया पब्लिक कल्चर इमर्ज होने लगा, जहाँ पर न्यू आइडियाज ऑफ सोशल रेवोल्यूशन, समाज में क्रांति लाने वाले जो आइडियाज हैं वो फैलने लग गए। पता है गाइस, आइडियाज जो है ना, इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम बोलते हैं जो थिंक
think good and you should listen to good people. You should listen to people who motivate you. क्योंकि अगर आप उन लोगों की बात सुनोगे ना जो आपको भड़काएगा, इसलिए तो हमारे देश हमारी दुनिया में टेररिस्ट है. छोटे छोटे बच्चों को भड़का दिया जाता है आइडियाज से, राइट? तो नॉलेज आपको सही पाथ पे भी ले जा सकती है और एक बैड नॉलेज आपको एक बहुत गलत पाथ पे भी ले जा सकती है. पर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो लेट्स मूव ऑन. तो प्रिंट जो है इट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट, और ये डायलॉग और डिबेट इवेंचुअली लोगों को सोशल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ाती है. ठीक है, थर्ड पॉइंट, तीन पॉइंट्स है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ प्रिंट के वजह से. थर्ड पॉइंट हम कहोगे, आप कहोगे कि 1780s ऑनवर्ड्स ज्यादा से ज्यादा प्रिंटेड मटेरियल मार्केट में आने लगा जो रॉयल्टी को मॉक करता था, मजाक उड़ाता था राजाओं का और राजा का को क्रिटिसाइज करता था. तो काफी सारे कार्टून कैरिकेचर आने लग गए दैट सजेस्टेड दैट मोनार्की रिमेन्ड एब्जॉर्ब ओनली इन सेंसुअल प्लेजर्स व्हाइल द कॉमन पीपल सफर्ड इमेंस हार्डशिप. तो काफी सारे ऐसे कार्टून्स आने लग गए जिसमें ये दर्शाया जाने लगा कि राजा तो मस्त मोती टोंद लेके मीट खा रहा है, केक खा रहा है ना, मजे कर रहा है लाइफ के. बट जो कॉमन पीपल है, जो आम आदमी है, वो बेचारा पिस रहा है, काम कर रहा है, टैक्स दे रहा है, राइट? अगर आप ऐसा कार्टून देखोगे तो सभी भड़कोगे ना, राइट? दिस लिटरेचर सर्क्यूलेटेड अंडरग्राउंड, क्योंकि ऑब्वियसली ओवर अंडरग्राउंड मतलब वैसा नहीं सबवे बनाए जा रहे थे, मतलब छुप छुप के लोग ऐसे कार्टून्स पब्लिश कर रहे थे और इस बारे में बातें हो रही थी. एंड इसे मोनार्की के अगेंस्ट और ज्यादा हेट्रेड और ज्यादा नेगेटिव फीलिंग्स बढ़ने लग गई. ठीक है, क्लियर? सो गाइज, इफ यू गेट अ क्वेश्चन आई होप नाउ यू कैन आंसर वॉट आर द थ्री रीजन्स दैट led to the French Revolution, what was the contribution of print, है ना? तो आप सबसे पहले कहोगे कि print के वजह से enlightenment thinkers जो हैं उनके ideas spread होने लग गए, एक नया culture develop हुआ जिसमें public जो है, common people जो है, वो question करने लग गए monarchy को, church को, established authority को. और तीसरा point है 1780s onwards monarchy के against cartoons और caricatures भी emerge होने लग गए जिसमें दिखाया जाता था कि राजा तो मस्त पेट मोटा हो रहा है उसका खाना खा खा के सेंसुअल प्लेजर्स में वो इन्वॉल्व है और जो कॉमन पीपल है वो सफर कर रहे हैं. इससे जो फीलिंग ऑफ हेट्रेड है वो बढ़ती रही. तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मेन रीजंस कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के कंडीशंस डेवलप हुए. ठीक है, हैप्पी बर्थडे मुझे बोल रहे हो क्या? चलो आगे बढ़ते हुए, तो गाइस ये आपके सामने इमेज है. तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि जो राजा है, देख रहे हो कि यहाँ पर एक पेजेंट है, एक आदमी है, वो यू नो ही उसके ऊपर एक पेड़ है और उसके पेड़ के ऊपर चढ़ते हुए नोबिलिटी आगे बढ़ रहे हैं, है ना? तो दैट यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो नोबिलिटी है वो नाच रहा है, पर जो पेजेंट्स है, जो वर्कर्स है, उनकी हालत बुरी है, वो काम कर रहे हैं, वो अपने कंधे पे सारा लोड उठा के चल रहे हैं. तो दिस काइंड ऑफ कैरिकेचर शोड द डिफरेंस ऑफ लाइफस्टाइल जो एग्जिस्ट करती थी बिटवीन योर नोबिलिटी, बिटवीन द राजा एंड बिटवीन द कॉमन पीपल. और इस टाइप के जो कार्टून थे वो इतना सर्कुलेट होने लगा कि लोगों के अंदर यू नो हेट्रेड अगेंस्ट योर रॉयल्टी स्टार्टेड इंक्रीजिंग. ठीक है गाइज, आई होप इट्स क्लियर. यस, आई नो चैप्टर थोड़ा लंबा है, बट अगर आप डट के रहोगे ना एंड तक, तो आई प्रोमिस यू ये चैप्टर आपका हो जाएगा. ठीक है, ये चैप्टर आपका हो जाएगा, आपको फिर ये चैप्टर बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बच्चे बर्थडे विश कर रहे हैं पर है नहीं मेरा बर्थडे. चलो, तो गाइस ऐसा क्वेश्चन आ चुका है 2013 में भी, 2014 में भी एंड अभी भी आ सकता है कि जो प्रिंट कल्चर है हाउ वाज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ठीक है, तो अच्छा अब आता है कि क्या लोग आराम से बहकावे में आते थे प्रिंटेड मटीरियल के. सो वी नीड टू रिमेम्बर कि भाई रूसो वॉल्टेयर जो कार्टून बना रहे हैं वो लोग प्रिंट का यूज कर रहे हैं एज अ वेपन. एट द सेम टाइम चर्च मोनार्की ये लोग भी प्रिंट को यूज कर रहे हैं टू स्प्रेड देयर आइडियाज. तो प्रिंट जो है हर तरीके का अवेलेबल था मार्केट में, द आइडियाज ऑफ वॉल्टेयर और रूसो भी था एंड जो आइडियाज मोनार्की और चर्च प्रोपोगेट करते थे वो भी मार्केट में काफी अवेलेबल था. So it is wrong to say that people were directly influenced by everything that they read. ऐसा नहीं उन्हें पढ़ा और बस influence हो गए. नहीं, उन्होंने सोचा, उन्होंने debate किया, उन्होंने एक
पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट किया कि ठीक है वोल्टेयर सही कह रहे हैं कि नहीं भैया चर्च सही कह रही है, राइट. इट डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड्स. इट इज रॉन्ग टू से कि प्रिंट डायरेक्टली शेप्ड द माइंड्स ऑफ द पीपल, नहीं, बट इट ओपन्ड अप अ पॉसिबिलिटी टू थिंकिंग डिफरेंटली. एक उसने एक नया एक स्पेस दिया जिससे लोग अलग तरीके से सोच पाए. ठीक है, क्लियर. चलो अब हम आते हैं 19th सेंचुरी पे. स्टोरी काफी पहले शुरू हुई थी पेपर के इन्वेंशन और प्रिंट के इन्वेंशन पे. अब हम 19th सेंचुरी पे आ गए हैं जहां पर हम देखते हैं कि यूरोप में काफी ज्यादा लोग पढ़ने लग गए और तीन तरीके के रीडर्स इमर्ज होते हैं. सबसे पहला है आपका चिल्ड्रन, फिर है आपका वुमेन एंड फिर है आपके वर्कर्स. और यहाँ पर आपका 5 मार्कर या 3 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है कि 5 रीजन ऐसे बताओ, यू नो, एक्सप्लेन 5 रीजन्स फॉर ब्रिंगिंग इन लार्ज नंबर्स ऑफ न्यू रीडर्स अमंग चिल्ड्रन वुमेन एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. की 19th सेंचुरी में 5 ऐसे रीजन्स बनाओ जिसके वजह से ये जो 3 ग्रुप्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने लग गए, है ना. वॉट वॉज दैट रीज़न. तो अब हम बात करते हैं चिल्ड्रन के बारे में कि बच्चे क्यों पढ़ने लग गए. तो गाइस उस टाइम पे क्या हुआ था कि चिल्ड्रन को कंपलसरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन शुरू कर दिया था. दिस इज वेयर यू गाइस वेल लाइक मैम क्यों शुरू किया, मस्त हम लोग जिंदगी थी हमारी ओरल कल्चर में, राइट. ऑलराइट, तो जो चिल्ड्रन थे वो काफी इंपॉर्टेंट रीडर थे. For them, compulsory primary education was very, was made compulsory. Primary education compulsory कर दी थी. अब जब आप स्कूल जा रहे हो तो आपको बुक्स की ज़रूरत है. तो जो बुक्स थी, प्रोडक्शन ऑफ बुक्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में होने लगी. तो पब्लिशिंग इंडस्ट्री के लिए चिल्ड्रेन बिकेम एन इम्पॉर्टेंट ग्रुप जिसके लिए बुक्स पब्लिश की जाती थी. अब किस टाइप की बुक्स पब्लिश की जाती थी जिससे बच्चे पढ़ पाए. तो फ्रांस में 1857 में लिटरेचर डेवलप होने लगा. नई नई तरीके की फोक टेल्स और फेरी टेल्स जैसे सिंड्रेला हो गया, स्नो वाइट हो गया, इसी टाइम पे लिखी जाने लगी. जो ग्रिम ब्रदर्स है जर्मनी में, तो ग्रिम ब्रदर्स ने ये सारी बुक्स, बाय द वे, स्टोरीज लिखी है जो हम पढ़ते हैं, जो हम लोग राइम्स पढ़ते हैं, बाबा ब्लैक शीप वगैरह वगैरह, ग्रिम ब्रदर्स आर द वंस. तो ग्रिम ब्रदर्स ने काफ़ी सालों तक यूरोप घूमा, वहाँ की लोकल फोक टेल्स ली, जो लोकल स्टोरीज थी, जो लोकल पोएम्स थी, उसको लेके उसको चाइल्ड फ्रेंडली बनाया. क्योंकि अगर आप उसकी ओरिजिनल पढ़ोगे तो काफ़ी डार्क है ना. तो उसको चाइल्ड फ्रेंडली बनाया एंड उसको पब्लिश की इन अ कलेक्शन इन 1812, राइट. एनीथिंग दैट वॉज अनसूटेबल फॉर चिल्ड्रेन, अगर कुछ भी ऐसा लिटरेचर था जो बच्चों के लिए सूटेबल नहीं था तो उसको पब्लिश नहीं किया जाता था. अगर बच्चों के लिए वो सूटेबल था तो उसे पब्लिश कर दिया जाता था, राइट. जो रूरल फोक थे, जो रूरल फोक टेल्स थे, जो गांव में पहले कहानियां सुनाई जाती थी, अब उसको बदल दिया गया जिससे वो बच्चों के लिए सूटेबल हो, है ना. कभी पढ़ना स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स जो हम पढ़ते हैं, उसकी ओरिजिनल स्टोरी क्या थी, बहुत ही स्कार हो जाओगे आप लोगों को. कैसे ग्रिम ब्रदर्स ने उसको बदल के सूटेबल फॉर चिल्ड्रन किया, राइट. ऑलराइट, अब हम आते हैं वुमेन पे, राइट, कि हाउ डिड वुमेन इमर्ज एज अ इम्पॉर्टेंट ग्रुप जो पढ़ने लगा. तो गाइस काफ़ी सारे मैगजीन्स, पेनी मैगजीन्स, मतलब सस्ती एक पेनी की जो मैगजीन थी वो पब्लिश होने लग गई फॉर वुमेन, जहाँ पर औरतों को बताया जाता था कि देखो ऐसे हाउसकीपिंग करो, ऐसे कुकिंग करो. कुकिंग बुक्स हो गई, प्रॉपर बिहेवियर बुक्स हो गया, पॉस्चर बुक्स हो गया, हाउसकीपिंग वाली बुक्स हो गई. दीज वर द बुक्स दैट वुमेन यूज टू रीड. वन सेट ऑफ बुक्स जो औरतें बहुत ज़्यादा पढ़ने लग गई वो थी नॉवेल्स. एंड वुमेन स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स ऑल्सो. तो काफ़ी फेमस ऑथर्स जिनको इंग्लिश में इंटरेस्ट है उनको पता होगा, जैसे जेन ऑस्टिन, है ना, प्राइड एंड प्रेजुडिस, राइट, ब्रॉन्टे सिस्टर्स, जॉर्ज एलियट, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखना शुरू कर दिया, राइट. दे वर वेरी पॉपुलर नॉवेलिस्ट ऑफ दैट टाइम एंड इवन टूडेज टाइम, राइट. तो उनकी राइटिंग्स ने एक नई तरीके की औरत को दर्शाना शुरू कर दिया. न्यू टाइप ऑफ वुमेन वॉज शोन, अ पर्सन विद विल, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी, डिटर्मिनेशन एंड अ पावर टू थिंक. एक ऐसी वुमेन हीरोइन लाए वो अपनी नॉवेल्स में पहली बार. सोचो जहाँ पर औरत सोच सकते थे, जहाँ उनमें डिटर्मिनेशन था एंड दे हैड अ पर्सनैलिटी.
In this way, women started writing books and women started reading books. Guys, I hope लिख रहे हो और क्लियर हो रहा है, राइट? अब हम जाते हैं वर्कर्स पे. तो वर्कर्स भी गाइस, जो वर्कर्स जो काफी गरीब थे, वो लोग भी काफी ज्यादा बुक्स पढ़ने लग गए बिकॉज ऑफ लेंडिंग लाइब्रेरीज. तो लेंडिंग लाइब्रेरी 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, जो थोड़े अमीर होते थे, जो जिनके पास काफ़ी पैसा होता था, वो अपना पेट्रोनेज, अपना पावर दिखाने के लिए, जैसे पहले मंदिर बनाते थे ना, अब लाइब्रेरीज बनाने लग गए कि ठीक है, हम लाइब्रेरी बना रहे हैं, बुक्स रख रहे हैं, वर्कर्स आके इन बुक्स को ले सकते हैं यहाँ से, लाइब्रेरी की तरह. तो वर्किंग क्लास जो लोग थे वो सेल्फ एजुकेट होने लग गए, लिटरेसी रेट बढ़ गई और वो किताबें पढ़ने लग गए, है ना? तो विद टाइम वर्किंग आवर्स भी शॉर्टन होने लगे उनके. 19th सेंचुरी में कुछ चेंजेस ऐसे आते हैं जिसके वजह से काम उनको एग्जैक्ट 9 to 5 करना था, 9 to 8 करना था, तो बाकी टाइम वो क्या करें, मोबाइल फोन तो थे नहीं, तो वो पढ़ने लग गए, राइट? एंड दे स्टार्टेड राइटिंग एंड रीडिंग पॉलिटिकल बुक्स, ऑटोबायोग्राफीज इन लार्ज नंबर्स. पॉलिटिकल बुक्स हो गए, लोगों की लाइफ की कहानियां हो गई, अपनी खुद की लाइफ की कहानी वो लिखने लग गए, राइट? अच्छा, अब हम आते हैं ऐसे पार्ट ऑफ द चैप्टर पे विच इज वेरी, जिसमें बहुत रटना होता है, जिसमें इतना लॉजिक नहीं है. अगर आपका मन करे आप रट लो. एक बार इस पार्ट ऑफ द बुक से क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जाम्स में, सो आई कैन नॉट से नहीं आएगा, क्योंकि एक बार आ चुका है. एंड दैट इज व्हाट वर द इनोवेशंस यू नो दैट केम इनटू प्रिंट. ठीक है, तो आप कहोगे कि लेट 18th सेंचुरी में प्रेस जो है वो मेटल से बनने लग गई. पहले वुड से बनती थी, अब वो मेटल से बनने लग गई, तो काफी स्टर्डी होने लग गई, है ना, स्ट्रॉन्ग हो गई. थ्रू आउट द 19th सेंचुरी काफी और भी इनोवेशंस होते हैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में. फॉर एग्जांपल, एक इंसान थे रिचर्ड एम हो, जिन्होंने परफेक्ट किया पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस. तो पहले आपने देखा था कि लोग जो है ऐसे ऐसे हिला रहे हैं बेटन से पूरे प्रेस को. अब वो पूरा हिलाने का काम किसने किया, पावर ने, इलेक्ट्रिसिटी ने, पावर ड्रिवन. और एक सिलेंडर था जो ऐसे घूमता रहता था और प्रिंटेड मटेरियल पेपर पे रखता था, राइट? तो पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस दैट प्रिंटेड 8000 शीट्स पर आवर. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हुआ फॉर पब्लिशिंग न्यूज़पेपर्स, क्योंकि न्यूज़पेपर्स बहुत अधिक मात्रा में बनते और सेम चीज़ प्रिंट होती रहती है, राइट? लेट 18th सेंचुरी से ऑफसेट प्रेस भी डेवलप हुई, जहां पर कलर्ड प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस की गई. याद रखना, ऑफसेट प्रेस प्रिंट क्या होता है, जिसमें 6 अलग अलग कलर्स में प्रिंटिंग शुरू हो गई, राइट? फिर टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी, अब हम अपने सेंचुरी के पास ही आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस, दैट इज प्योरली जो पावर से चलती थी, इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी. पहले जो पावर था वो कोल था, है ना, अब प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी से जो चलती है, उससे प्रिंटिंग ऑपरेशंस एक्सेलरेट हो गई, ज़्यादा जल्दी जल्दी प्रिंटिंग मटेरियल होने लगा. मेथड्स ऑफ फीडिंग पेपर इम्प्रूव, मैनुअल की जगह इलेक्ट्रॉनिक होने लगा फीडिंग पेपर. क्वालिटी ऑफ प्लेट्स बिकेम बेटर, प्रिंटिंग क्वालिटी इम्प्रूव हो गई. अगर आप जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तब का न्यूज़पेपर देखोगे और आज का न्यूज़पेपर देखोगे, तो उसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखाई देने लगेगा, राइट? ऑटोमेटिक पेपर रील्स, खुद ही पेपर जो है प्रिंट कर रहा है. फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स ऑफ द कलर रजिस्टर वर इंट्रोड्यूस्ड, मतलब एक ऐसा तरीके का कंट्रोल जिससे कुछ कुछ प्रिंट जो है, आप देखते हो ना, कलर्ड होता है, कुछ कुछ प्रिंट ब्लैक एंड वाइट होता है, कुछ कुछ प्रिंट ग्रीन होगा, वो सब इंट्रोड्यूस किया गया. तो दिस ट्रांसफॉर्म्ड द अपीयरेंस ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट. तो गाइस, ये वाला पार्ट थोड़ा रटने का है चैप्टर में, बस यही है. अगर ये नहीं आ रहा रटना तो छोड़ दो, बिकॉज आई थिंक दैट इफ यू गाइस आर ओवरवेल्म्ड विद हिस्ट्री और ये वाला पार्ट लग रहा है कि बहुत रटना है, तो उसमें 2-3 पॉइंट्स याद कर लो जो मैंने आपको बताया. सबसे पहले आपको याद करना है कि रिचर्ड एम हो ने पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस बनाया. फिर उसके बाद आपको याद होना है ऑफसेट प्रेस और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस. 3 याद कर लो एंड आई थिंक यू आर गुड टू गो. ठीक है, बट इफ यू कैन रिमेम्बर एवरीथिंग डू दैट. तो ये है आपका ऑफसेट प्रेस, ये है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस. तो गाइज, एक बार क्वेश्चन आ चुका है 2014 में, हाईलाइट एनी 3, है ना? तो 3 याद करके जाना कि पेपर फीडिंग आसान हो गया. कोई भी 3 याद करके जाओ. इनोवेशंस विच हैव इम्प्रूव्ड द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स.
मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड गाइज नेक्स्ट वीक में करूंगी डिटेल में, ठीक है। प्रीबोर्ड्स में क्वेश्चन आया था तो आ सकता है इसका मतलब। ऑलराइट, तो पानी पी लेते हैं, आप लोग भी थोड़ा ब्रेक ले लो। तो हम देखते हैं गाइज विद टाइम, क्योंकि जो प्रिंटर्स प्रिंटिंग क्वालिटी इंप्रूव हो गई तो जो पब्लिशर्स है वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करने लग गए जिससे उनकी सेल बढ़े, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़े, राइट। फॉर एग्जाम्पल 19th सेंचुरी में जो पीरियोडिकल सीरियलाइज जैसे होता है ना कि पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री, ऐसे टाइप के पीरियोडिकल्स आने लग गए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े, हुक हो जाए, है ना यार पार्ट फोर कब आएगा, जैसे हम कहते हैं सीजन टू कब आएगा, सीजन थ्री कब आएगा, वैसे, राइट। 1920s में इंग्लैंड में एक नई सीरीज लॉन्च हुई जिसका नाम था द शिलिंग सीरीज। शिलिंग मतलब एक शिलिंग में, जो पेनी से भी कम होता है, एक शिलिंग में आप एक बुक खरीद सकते हो, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर हर हफ्ते आएगी, है ना। तो ये पीरियोडिक पीरियोडिकल्स का ही एग्जाम्पल है। एक नई टाइप की बुक आई कॉल्ड द डस्ट कवर और द बुक जैकेट, यू नो जो आप देखते हो ना बुक्स के ऊपर ये जैकेट होता है, राइट। ये भी 20th सेंचुरी इनोवेशन था, है ना। अब जब ग्रेट डिप्रेशन आया जिसके बारे में आप पढ़ रखे हो मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड इंडस्ट्रियल वाले चैप्टर में, जो हम करेंगे अगले हफ्ते करेंगे, 1930s में, तो पब्लिशर्स को लगा कि लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो वो बुक्स नहीं खरीदेंगे, क्योंकि बुक्स है तो लग्जरी आइटम, राइट। तो इसीलिए सो दैट पीपल कीप बाइंग बुक्स दे ब्रॉट आउट चीप पेपर बैक एडिशंस, ऐसे हार्ड बाउंड की जगह एक बिल्कुल ही सस्ते पेपर पे, पेपर बैक एडिशन जिसको आप बोलते हैं, वो वाली बुक्स मार्केट में लाने लगे। क्लियर गाइज, आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। यो देते रहो चैट बॉक्स में, बीच बीच में थम्स अप देते रहो जिससे मैं भी बढ़ती रहूं आगे, है ना। ऑलराइट, चलो। हाँ तो गाइज ये एडवर्टाइजमेंट है, आप देख सकते हो कि ये रेलवे स्टेशन है और प्रिंट का इतना ज्यादा यू नो इट हैज स्प्रेड दैट यू कैन सी प्रिंट एवरीवेयर ऑन द रेलवे स्टेशन, राइट। रेलवे प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक बिल्डिंग पे, स्ट्रीट वॉल्स पे यू कैन सी दैट प्रिंट, चाहे वो टेक्स्ट प्रिंट हो चाहे वो ड्रॉइंग हो, वो काफी ज्यादा यूज होने लगा। वॉट इज योर फेवरेट बुक? आई हैव लॉट्स ऑफ फेवरेट बुक्स, वील टॉक अबाउट इट समटाइम लेटर। चलो अब हम आते हैं एक्चुअली चैप्टर के आखिरी पार्ट पर। आई कैन नॉट बिलीव यू हैव रीच्ड द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस बता दो एंड थम्स अप भी देते रहो। कल के सेशन में आना हर्ष, अच्छा एक दूसरे से बात कर रहे हो, ओके। चलो इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। तो गाइज इंडिया में आपका जो हर हिस्ट्री का चैप्टर है वो पहले यूरोप का आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता है और फिर हम इंडिया की तरफ आते हैं, राइट। पहले हम देखते हैं कि अच्छा यूरोप में ये चीज़ें आ रही है, ये हो रहा है, फिर हम इंडिया में आते हैं कि इंडिया में कैसी वो टेक्नोलॉजी आई, कैसे वो प्रिंट आया। तो इंडिया में जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स थे बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब हाथ से लिखा हुआ जो किताबें थी, हैंड रिटन टेक्स्ट काफ़ी पॉपुलर थे। संस्कृत अरबिक पर्शियन वर्नैक्युलर मतलब लोकल लैंग्वेज में ये मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी, है ना। अच्छा ये एक एग्जांपल है, ये प्रिंट है आपकी बुक में, तो यहाँ पर इट इज बुक मेकिंग बिफोर द एज ऑफ प्रिंट और ये दिस इज हैज बीन डन बाय अखलाक ई नसीरी इन 1595। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक रॉयल वर्कशॉप है, 16th सेंचुरी की है, प्रिंट अभी तक आया नहीं है। ये जो इंसान है ये बता रहे हैं कि देखो ये लिखो, यहाँ पर आपके स्क्राइब बैठे हैं। स्क्राइब कौन होता है? कॉपी राइटर्स, जो जैसे अगर मैं पोएट हूँ और मैं पोएम बना रही हूँ तो मैं पोएम जो कंपोज करूँगी वो एक स्क्राइब को बताऊँगी। स्क्राइब जो है उसको ध्यान से लिखेगा, बाकी जो लोग हैं वो कॉपी करेंगे, कॉपी राइटर्स होंगे, फिर उसको गोल्ड प्लेटिंग दी जाएगी, गोल्ड से ऐसे लिखा जाता था। तो इस तरीके से प्रिंटिंग होती थी हमारे देश में, राइट। Alright, manuscripts were copied on palm leaves, handmade paper, pages को beautifully illustrate किया जाता था, सुंदर तरीके से drawings होती थी, जिसको हम miniature drawings भी बोलते हैं, छोटी छोटी drawings होती थी किताबों में, है ना। They would be either pressed with wooden covers, या तो
बहुत सारे पेजेस रख दिए जाते थे और वुडन कवर्स से उनको प्रेस कर दिया जाता था बुक बनाने के लिए, या फिर देवर सोन टुगेदर, जैसे अकॉर्डियन बुक्स होती थी ना चाइना में, उसी तरीके से उनको सो कर दिया जाता था जिससे वो लंबे टाइम तक टिकी रहे, राइट। मैन्युस्क्रिप्ट्स कंटिन्यू टू बी प्रोड्यूस्ड इवन व्हेन प्रिंट केम अलोंग, बाय यूरोप वाली स्टोरी, प्रिंट आया बट हम मैन्युस्क्रिप्ट्स कंटिन्यू करते रहे क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है वो यूनिक होते थे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो रिच थे, उनको मैन्युस्क्रिप्ट्स पसंद था। वही सेम कहानी इंडिया में है, हिस्ट्री सेम है, स्टोरी सेम है, देश अलग है, है ना, इंडिया की बात हो गई, राइट। ऑलराइट, तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ पेज फ्रॉम गीता गोविंदा ऑफ जयदेवा। जयदेवा ने गीता गोविंदा लिखी थी 18th सेंचुरी में, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कृष्णा वगैरह की स्टोरीज है। एंड दिस इज़ अ पाम लीफ, और इसको अकॉर्डियन बुक की तरह पूरा अटैच किया गया था पाम लीव्स को, एंड दैट इज हाउ इट वॉज रिटन, राइट। दिस इज अ पेज फ्रॉम दीवान ऑफ हफीज, तो दीवान ऑफ हफीज 1824। हफीज जो है वो एक 14th सेंचुरी पोएट्स थे जिनके वर्क को बोला जाता है दीवान, ठीक है, जिनके काम को बोला जाता है दीवान। तो आप देख सकते हो कि बहुत सुंदर राइटिंग है, बहुत सुंदर बॉर्डर्स है, हैंड रिटन है पूरा काम, है ना। तो ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट जो है कंटिन्यू होते रहे इवन आफ्टर द प्रिंट यू नो केम टू इंडिया, राइट। अब वॉट आर द डिसएडवांटेज, वर स्क्राइब्स पेड फॉर देयर वर्क, ऑफकोर्स दे वर पेड फॉर देयर वर्क, कोई फ्री में काम थोड़ी ना करता है इस दुनिया में, राइट, ऑफकोर्स दे वर पेड फॉर देयर वर्क। डू वी नीड टू रिमेंबर दीज नेम्स, गाइज अब आपके सैम्पल पेपर में इसी चैप्टर से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आया है जो हम आगे करेंगे, वो वाला पिक्चर। तो हाँ, मैं कहूँगी ये वाला चैप्टर कैन बी अ फेवरेट फॉर बोर्ड एग्जाम्स फॉर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। जो बच्चे कहते हैं मैम इससे 5 मार्कर कम आता है, मैं मानती हूँ, बट स्कोरिंग वाला जो पार्ट है आपके चैप्टर एसएसटी का, यू नो, वो इसी चैप्टर से आता है। तो मेक श्योर जो छोटी छोटी चीजें ना चैप्टर की आपको याद रहे, ठीक है। अब हम आते हैं व्हाट वर द डिसएडवांटेज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। अगेन गाइस, इसको मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। मैन्युस्क्रिप्ट्स की क्या प्रॉब्लम थी, सबसे पहली प्रॉब्लम थी वो बड़े महंगे थे, बहुत फ्रेजाइल थे, इट वॉज नॉट ईजी टू कैरी इधर उधर, है ना, देवर वेरी बल्की इन नेचर, दे हैड टू बी हैंडल्ड ईजिली। उनको पढ़ना भी आसान नहीं था कि अपना मस्त ट्रेन में जा रहे हो तो पढ़ लो, ध्यान से उसको रखा और खोला जाता था, राइट। माई नोज इज ब्लॉक्ड। इवन दो प्री कोलोनियल बंगाल हैड डेवलप्ड एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ विलेज प्राइमरी स्कूल्स, स्टूडेंट्स वेरी ऑफन डिड नॉट रीड टेक्स्ट, दे ओनली लर्न हाउ टू राइट। बहुत टाइम तक बंगाल में पाठशाला खुल गए, पर पाठशाला खुलने के बाद भी बच्चों तक बुक्स नहीं पहुंची थी, उनको लिखना सिखाया जाता था पर बुक पढ़ना सिखाया नहीं जाता था, राइट। टीचर्स जो है वो अपनी मेमोरी से, भाई ओरल कल्चर है ना, कहानियां सुनाती थी, स्टोरी सुनाती थी, बच्चे जो है उनको सुन के लर्न करते थे। इमेजिन इफ आई डोंट हैव अ बोर्ड और मैं बस आपको कहानी सुना रही हूँ, आपको याद करना है, हाउ डिफिकल्ट वुड दैट हैव बीन, है ना। तो प्रिंट अच्छा ही है, राइट। सो मैनी दस बिकेम लिटरेट, काफ़ी बच्चे लिटरेट बने, उन्हें लिखना आता था, पढ़ना आता था, पर उन्होंने आज तक कोई टेक्स्ट बुक नहीं देखी थी लाइफ में, राइट। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, हाउ मेनी स्क्राइब्स डिड एलीट्स एम्प्लॉय एट वंस, इट इज हाउ मेनी स्क्राइब्स डिड बुकसेलर्स एम्प्लॉय, जो हमने पहले पढ़ लिया, राइट। अब गाइस ये वाला इमेज है, दिस इज पेजेस फ्रॉम द ऋग्वेदा, अगेन हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट है जो काफी ज्यादा यूज होता था इंडिया में। This was produced in the 18th century in the Malayalam script. Malayalam script में इसको प्रोड्यूस किया गया, राइट। आप कहोगे मैम ऋग्वेद तो संस्कृत में है, बट ट्रांसलेट किया गया ना बच्चों उसको, है ना। चलो अब हम कहते हैं कि प्रिंट इंडिया कैसे आया, तो प्रिंट सबसे पहले इंडिया आया गोवा से। कुछ पोर्चुगीज मिशनरीज जब इंडिया आए थे तो वो अपने साथ प्रिंट का नॉलेज लाए। फिर उसके बाद जो जर्स्यूट प्रीस्ट थे, जर्स्यूट प्रीस्ट क्या होता है बुक में नहीं है पर बता दूँ आपको कि जैसे हिंदुइज्म में अलग अलग टाइप के हिंदूज हैं, वैसे क्रिश्चियनिटी में अलग अलग टाइप के क्रिश्चियंस हैं। तो जो 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 जर्स्यूट क्रिश्चियंस थे वो क्रिश्चियनिटी फैलाते थे, रीजन में बिलीव करते थे, रैशनैलिटी में बिलीव करते थे। तो वो अपने साथ उन्होंने 50 बुक्स प्रिंट की इन कोंकणी एंड कनारा, है ना। फिर कैथोलिक प्रीस्ट थे वो भी काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, बट ये दोनों थोड़ा याद रखो कि इस तरीके से जो है प्रिंट इधर आया, जर्स्यूट
I pronounce it as jersuit. If I'm saying it wrong, let me know in the comment section. चलो नाउ गाइस, जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस थी, इट डिड नॉट ग्रो इन इंडिया. ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश आती ही नहीं थी काफी लोगों को, और काफी टाइम तक वो इंडिया में डेवलप नहीं हुई. इवन दो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने वो इंडिया में काफी टाइम तक था, और उसने प्रेस भी इम्पोर्ट करनी शुरू कर दी थी, है ना. बट एक प्रॉपर प्रिंटिंग प्रेस कल्चर इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज में इवॉल्व नहीं हुआ था. सबसे पहले जो आया वो था 1780 में बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी. कौन था? रिमेम्बर, इट वाज जेम्स ऑगस्टस हिकी, जिन्होंने एक न्यूज़पेपर, एक मैगजीन लिखा कॉल्ड बंगाल गजेट. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया बंगाल गजेट में? एक तो वो बहुत सारे एडवर्टिजमेंट्स देते थे उसमें. किस टाइप के एडवर्टिजमेंट्स? किस टाइप के स्लेव्स जो है वो सेल पे है, कौन कौन से टाइप के स्लेव्स इम्पोर्ट किए जा रहे हैं, इस टाइप के वो एडवर्टिजमेंट उस मैगजीन में देते थे. इट वॉज अ प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइज, एक इंग्लिश ओन्ड यू नो मैगजीन था बाय जेम्स हिकिटी, है ना. ही बिगैन प्रिंटिंग इन इंडिया इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो उनका उनका मतलब हु वॉज ही सेलिंग दिस टू? ही वॉज सेलिंग इट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स, क्योंकि इंडिया में बहुत कम लोग थे इस पॉइंट तक जो इंग्लिश इतना अच्छी तरह जानते थे, राइट. वीकली मैगजीन थी ये, विच वॉज प्राउड ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम कोलोनियल इन्फ्लुएंस. It was not under the control of the East India Company. तो इसमें एक तो वो advertisements करते थे, और दूसरा वो publish करते थे gossip about company senior officials. जैसे लिखते थे, अरे senior official रात को घर से निकलते हुए दिखा और उस औरत के घर में घुसते हुए दिखा. ऐसे salacious gossip जो है वो इस magazine में print करते थे, ठीक है. अब गवर्नर जनरल जो वॉरेन हेस्टिंग्स है, उनको आया गुस्सा. उन्होंने कहा कि ये जो जेम्स हिकिटी है, उन्होंने अपनी मैगजीन खोली, कोई बात नहीं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं कोई बात नहीं, बट हमारे अगेंस्ट ऐसे सेलिशियस गॉसिप लिखते हैं. सो ऑब्वियसली ही डिड नॉट लाइक दैट, एंड ही परसिक्यूटेड हिकी, राइट. उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ऑफिशियली सैंक्शनड न्यूज़पेपर्स पब्लिश करेंगे. प्रिंट तो एक वेपन है ना, तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम लोग न्यूज़पेपर्स पब्लिश करेंगे और उसमें हम अपनी तारीफ लिखेंगे कि हम कितने अमेजिंग हैं, हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, सो दैट उनका इमेज, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का इमेज है, वो बढ़िया बने, राइट. बाय द क्लोज ऑफ द 18th सेंचुरी काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स इंडिया में भी आने लग गए, एंड देवर इंडियंस ऑल्सो हु बिगैन टू पब्लिश यू नो देयर ओन न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स. जैसे बंगाल गजेट जो हिकिटी का था, जब उन्हें परसिक्यूट मतलब कोर्ट कचहरी के मामले में उनको पनिशमेंट दी, उसके बाद इट वॉज ब्रॉट आउट बाय गंगाधर भट्टाचार्य. गंगाधर भट्टाचार्य ने वो मैगजीन खरीदी, वो प्रिंटिंग प्रेस खरीदी और अपने न्यूज़पेपर्स और अपने जर्नल्स पब्लिश करना शुरू कर दिया, ठीक है. तो राजा राममोहन रॉय के काफी क्लोज फ्रेंड थे, ठीक है. ऑलराइट गाइस, आई होप समझ आ रहे हैं. आखिरी पार्ट है, थोड़ा और यू नो मुझको अपना पेशेंस दे दो. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्री बोर्ड्स, ठीक है. अब रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट. अब हम देखते हैं कि अर्ली 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स काफी इंडिया में, ऑब्वियसली इंडिया एक रिलीजियस कंट्री है, अब हमारे हाथ में प्रिंट का वेपन आया, तो हम किस बारे में बात करेंगे? हम रिलीजन के बारे में बात करेंगे, और करते ही क्या है, मतलब उस टाइम पे तो और भी ज्यादा रिलीजियस थे, तो काफी इंटेंस डिबेट होने लग गई ऑन रिलीजियस इश्यूज. लोग जो है अपने अपने इंटरप्रिटेशंस, अपने अपने थॉट्स, अपने अपनी जो सोच थी वो लिखने लग गए अबाउट रिलीजन. जैसे काफी लोग मुझे बताते हैं कि मैम हम धर्म में विश्वास नहीं करते, है ना, हम एथीस्ट हैं, हम ये हैं, हम वो हैं. तो इमेजिन करो आप लोग ये सब लिख पा रहे हैं रिलीजन के अगेंस्ट, तो ऑब्वियसली पीपल स्टार्टेड राइटिंग दैट, है ना. कुछ लोग क्रिटिसाइज करने लग गए एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस को, जैसे सती है, तो सती के अगेंस्ट राजा राममोहन रॉय ने काफी लिखा कि भैया हम क्यों प्रैक्टिस करते हैं ऐसा एक कस्टम जहाँ पर औरतों को इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, जलाया जाता है. तो पीपल स्टार्टेड राइटिंग अबाउट देयर थॉट्स, अबाउट देयर ओपिनियंस, एंड ऑब्वियसली जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे वो भी चुप नहीं थे, वो भी प्रिंट यूज करने लग गए इन ऑर्डर टू पुट फॉरवर्ड देयर आर्ग्यूमेंट्स कि भैया सती बहुत सही है, बहुत जरूरी है हिंदुइज्म के लिए, है ना. तो दोनों तरफ से प्रिंट का यूज होने लगा फॉर द स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑन रिलीजन, ठीक है.
printed tracts and newspapers not only spread the new ideas, but they shaped the nature of the debate. बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा अच्छा लाइन है आपकी एनसीईआरटी में कि किस टाइप की, पहले लोग बात करते थे कि भैया तुमने खाने में क्या खाया, अब डिबेट का टॉपिक ही बदल दिया प्रिंट में, जिसमें लोग और इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं और रिलीजन की बातें कर रहे हैं. गाइज अगेन सेम स्टोरी, जो यूरोप में हुआ वही इंडिया में हो रहा है. यूरोप का समझ आ गया तो वही छाप दो इंडिया लिखकर. इंडिया में आया, डिबेट्स रिलीजन के बारे में हुई, पब्लिक कल्चर बना डिबेट और डिस्कशन के बारे में, लोग क्रिटिसाइज करने लग गए रिलीजियस ट्रेडिशन को, लोग फेवर करने लग गए कुछ कुछ ट्रेडिशंस और कस्टम्स को, है ना. तो एक नेचर ऑफ डिबेट इमर्ज हुआ पब्लिक में, राइट. इट्स द सेम थिंग. यू डोंट, आई मीन, बहुत लोग बोलते हैं मैम हिस्ट्री बहुत टफ है, बट टफ क्या है, यही तो पढ़ा अभी हमने 10 पेजेस पहले, यही अब हम अभी पढ़ रहे हैं, सेम चीज है. हाँ भैया टेलीग्राम में दे देंगे नोट्स, पढ़ो तो खुद नोट्स बनाओगे तो ज्यादा अच्छा याद रहेगा, है ना. जापान की बात हो गई है, तनिष्का वीडियो में पहले जाओ तो डायमंड सूत्रा के बारे में पढ़ लोगे, ठीक है. A wider public could now participate in these public discussions and express their views. ज़्यादा से ज़्यादा लोग, same story, ज़्यादा से ज़्यादा लोग book पढ़ने लग गए, अपने opinions देने लग गए. इसके वजह से clashes of opinions होने लगी, जो opinions है वो आपस में भिड़ने लग गए, and उससे काफ़ी controversy होने लग गई. दो अलग अलग groups emerge होने लग गए society में. पहला group था आपका रिलीजियस रिफॉर्मर, बल्कि रिलीजियस नहीं, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर का ग्रुप, जो बोलता था कि भैया जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस है वो बहुत ही बुरी है, हमको रिफॉर्म की जरूरत है, हमको चेंजेस की जरूरत है. और जो दूसरा ग्रुप था वो था ग्रुप ऑफ नॉट जस्ट हिंदू बट ऑल्सो मुस्लिम ट्रेडिशनलिस्ट, कोई भी जो ट्रेडिशनलिस्ट थे, दैट वॉज द अदर ग्रुप, ठीक है. सो देवर टू ग्रुप्स दैट इमर्ज्ड इन इंडिया. Guys, I hope writing समझ आ रही है, मैं try कर रही हूँ कि writing improve हो जाए, right? चलो, होने वाला है, और मुझे थोड़ा time दे दो अपना, थोड़ा और time दे दो, guys, trust me, this will help you today, ठीक है? अच्छा, अब क्या बात होती थी इन दो groups में, क्या लड़ाई होती थी? Again, guys, इसमें रटने की क्या बात है? आप मुझे बताओ, reformers हैं, एक जगह हिंदू traditionalist है, वो किस बात पे लड़ेंगे? इस बात पे तो लड़ेंगे नहीं कि भैया समोसा में नमक है या नहीं, है ना, वो किस बात पे लड़ेंगे. जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी है वो बोल रही थी कि भैया हिंदू ऑर्थोडॉक्सी और रिफॉर्मर्स वर फाइटिंग ओवर टॉपिक्स लाइक विडो इमोलेशन, दैट इज सती, मोनोथियिज्म, क्या मैं एक ही भगवान को मानना चाहिए या काफी सारी चीजों को माननी चाहिए, ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड, ब्राह्मण्स की जो सुप्रीमेसी थी हिंदुइज्म में उसके ऊपर डिबेट हो रहा था, आइडोलेट्री, काफी लोग बोल रहे थे कि आइडल वर्शिप होनी चाहिए, बहुत लोग बोलते थे कि नहीं भगवान हर जगह है, मूर्ति में क्यों विश्वास करें, है ना. तो इन सब बातों पे, इन सब टॉपिक्स पे काफी ज्यादा डिस्कशन हो रहा था. बंगाल जो है वो काफी एक होता है ना इंटेलेक्चुअल स्टेट निकला, जहां पर ये डिबेट्स काफी डेवलप हुई, एंड हम देखते हैं कि काफी अखबार में ये डिबेट प्रिंट होने लग गई, पब्लिश होने लग गई, राइट. नाउ दीज आइडियाज, सो दैट ज्यादा स्प्रेड हो, दे वर प्रिंटेड इन द वर्नैक्युलर लैंग्वेज, दे वर प्रिंटेड इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, है ना, कॉमन लैंग्वेज, जिसे ज्यादा लोग पढ़े, ज्यादा ये आइडिया स्प्रेड हो. फॉर एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल्स आप दोगे. पहला एग्जाम्पल आप दोगे राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने बुक लिखी संबद्ध कौमुदी, ये सैम्पल पेपर में भी है क्वेश्चन, ठीक है, जिन्होंने बुक लिखी संबद्ध कौमुदी इन फ्रॉम 1821, और उसके अगेंस्ट जो हिंदू ट्रेडिशनलिस्ट थे, जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स लोग थे, उन्होंने बुक लिखी समाचार चंद्रिका, कौन सी बुक है, समाचार चंद्रिका टू अपोज हिम. तो प्रिंट ऐसे इंडिया में यूज हो रहा था. मैम इसे पूरे को याद करना है क्या, क्या याद करना है इसमें, इसमें याद क्या करना है, अगर आपको समझ आ गया, थोड़ा सा लाइन लर्न करना है सो दैट इंग्लिश अच्छी आए, बट इसमें है ही क्या. दो लोग लड़ रहे थे, कौन थे दो लोग, रिफॉर्मर्स थे, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थे, किस टाइप से लड़ रहे थे, प्रिंट के माध्यम से लड़ रहे थे. क्या बुक्स उन्होंने लिखी, राजा राम मोहन ने लिखी संबद्ध कौमुदी, संबद्ध कौमुदी को 5 बार बोलो रट जाएगा, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने लिखा समाचार चंद्रिका, 5 बार लिखो रट जाएगा, है ना. टाइम तो देना पड़ेगा ना पढ़ाई के लिए, बिना टाइम दिए तो पढ़ाई होगी नहीं, है ना. टाइम दोगे टीवी को, वीडियो गेम्स को, पर पढ़ाई के लिए लगता है हाय मैम 2 घंटा देना पड़ेगा, 3 घंटा वीडियो में बैठना पड़ेगा, है ना, तब आपको परेशानी होने लगती है. एनीवेज,
ये सब देखो आप डू नॉट डिस्ट्रैक्ट मी, ठीक है, चलो फोकस करते हैं. सो फ्रॉम 1822 दो पर्शियन न्यूज़पेपर्स पब्लिश हुए, जामी जहानामा और शमशूल अकबर. याद रखना गाइस, ये वाली जो बुक्स यहाँ दी है ये याद रखनी है आपको, है ना. और गुजराती न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार उस टाइम अपीयर हुई. क्यों पढ़ रहे हैं हम इनके बारे में, है ना, पर्शियन न्यूज़पेपर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कैसे प्रिंट जो है लोकल लैंग्वेज में प्रिंट होने लगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आइडियाज पहुंच पाए. ठीक है, क्लियर. चलो अगला पॉइंट, उलामा इन नॉर्थ इंडिया. तो उलामा कौन है, उलामा जो है इस्लाम रिलीजन में जो एक रिलीजियस स्कॉलर्स होते थे जिनको काफी ज्यादा पता था उस रिलीजन के बारे में, उन्हें उलामा बोलते हैं. तो जो आपने पढ़ा ही होगा और सब चैप्टर्स में कि कैसे ऑटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इट गेट्स डिफीटेड, उसका जो लैंड है वो जो यूरोपियन पावर्स है वो ले लेते हैं, है ना, पूरी कहानी आपको पता है. तो जो मुस्लिम उलामास थे, लीडर्स थे इंडिया में, वो काफ़ी डर गए थे कि मुस्लिम डायनेस्टीज जो है काफ़ी वर्ल्ड में कोलैप्स कर रही है, मुस्लिम एज ए रिलीजन का फ्यूचर क्या है, है ना. तो उन्होंने कहा कि ये जो कॉलोनियल रूलर्स है, जो ब्रिटिशर्स इंडिया आए हैं, ये हमको कन्वर्ट करना चाहते हैं क्रिश्चियनिटी में, ये हमारे जो पर्सनल लॉज है, हमारे जो खुद के जो कानून है, इसको बदलना चाहते हैं. इसीलिए उन्होंने भी प्रिंट का इस्तेमाल किया इन ऑर्डर टू यू नो चेंज, इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट पीपल डू नॉट कन्वर्ट. तो दे यूज चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस. लिथोग्राफिक मतलब भाई लिखने वाला जो प्रेसेस था, सस्ता वाला, वो उन्होंने यूज किया. और उन्होंने काफी ट्रांसलेशंस किए ऑफ होली स्क्रिप्चर, जैसे कुरान का ट्रांसलेशन किया, यू नो होली स्क्रिप्चर्स के ट्रांसलेशन किया उर्दू और पर्शियन में, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पढ़े. एंड प्रिंटेड रिलीजियस न्यूज़पेपर्स एंड ट्रैक्स, राइट. सो दैट वॉज उलामा इन नॉर्थ इंडिया. वैसे ही अलग अलग एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. एक अच्छा गाइस बाय द वे, प्रिंट इन इंडिया वाला पार्ट मुझे पता है बहुत रट्टाफिकेशन है ना, ये आखिरी पार्ट रट्टाफिकेशन है, तो इसीलिए ये पढ़ लो जो स्लाइड्स में है काफ़ी है, ठीक है, और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. हारी गायब हो गए थे आप बीच में, है ना, मेकअप नहीं किया. अच्छा मेकअप करना ज़रूरी था क्या क्लास के लिए, बता देते कर देते. अच्छा द दियोबंद सेमिनरी जो है, इट वॉज फाउंडेड इन 1867. इन्होंने इस सेमिनरी, एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप, इन्होंने काफ़ी फतवाज निकाले. फतवाज मतलब रॉयल ऑर्डर, जो मुस्लिम ऑर्डर होता है, टेलिंग मुस्लिम्स कि देखो इस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करो, इस तरीके से सुबह उठो, इस तरीके से पूजा करो, इस तरीके से इस्लामिक डॉक्ट्रीन को फॉलो करो, तभी तुम एक ट्रू मुस्लिम होगे. तो इस तरीके का प्रिंट जो है वो इंडिया में प्रिंट होने लगा. ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी काफ़ी सारे मुस्लिम सेक्स और सेमिनरीज आए. सेमिनरी सेक्स मतलब जैसे हिंदू सेक्स होते हैं ना, अलग अलग टाइप के हिंदूज हो गए, अलग अलग टाइप के भगवान हो गए. मुस्लिम में अल्लाह ही है, बट अलग अलग टाइप उसकी पूजा करने वाले लोग होते हैं, सुन्नी शिया ये वो, है ना. तो वो सेक्स इमर्ज होने लग गए, है ना, जिनके अलग अलग इंटरप्रिटेशन थे फेथ की तरफ, राइट, सोच थी, राइट. सो उर्दू जो प्रिंट था उसके वजह से ये सब थॉट समाज में फैलने लग गई. You are making notes with me. अच्छा इसमें कुछ समझना नहीं है, इसमें आपको थोड़ा सा बस हल्का सा रखना है. मोस्टली ये वन मार्कर में आते हैं, सो इवन इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट इट विल बी इनफ. बट गाइज आई डोंट नो, 2 or 3 मार्कर का भी आ सकता है ना, मैं कुछ नहीं जानती, राइट. चलो अब हम बोलते हैं कि हिंदूज में, मुस्लिम्स पढ़ लिए हमने, तो अब हिंदूज में किस टाइप के टेक्स्ट इमर्ज हुए, स्पेशली इन द वर्नैक्युलर लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज. तो पहला है आपका रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास. तुलसीदास ने एक बुक लिखी रामचरितमानस में, अवधि में, क्योंकि उन्हें लगा कि रामायण जो है वो संस्कृत में लिखी जाती है तो काफ़ी लोग पढ़ नहीं पाते, है ना, तो उन्होंने अवधि में लिख ली, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ पाए, हिंदुइज्म एज ए रिलीजन को अप्रिशिएट कर पाए. तो इट वॉज फ्रॉम कैलकटा. चीप लिथोग्राफिक एडिशंस. चीप लिथोग्राफिक मतलब वही चीप पेपर पे, गंदा गंदा प्रिंट पे, पर फिर भी एटलीस्ट चीप था ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ पाए थे. नेवल किशोर प्रेस जो है आई, नवल किशोर प्रेस, अलग मतलब अगेन न्यू प्रेसेस आर कमिंग. श्री वेंकटेश्वरा प्रेस, ये सब इम्प्रेसेस आए. प्रेस मतलब पब्लिकेशंस, जैसे हम पढ़ते हैं ना पेंगुइन पब्लिकेशन, ये पब्लिकेशन, तो ये पब्लिकेशंस इमर्ज हुए जो अलग अलग टाइप के बुक्स बना रहे थे, राइट. अब अगेन गाइस प्रिंट के वजह से क्या हुआ, हम थ्योरी पार्ट पे आ रहे हैं.
what was the importance of print in spreading religious and social views? है ना, तो हम बोलोगे जो प्रिंट है उसके वजह से जो लोगों के थॉट्स है, आइडियाज है, वो काफी जल्दी फैलने लग गए. प्रिंट की वजह से उर्दू, लोकल लैंग्वेज, उर्दू हो गया, पर्शियन हो गया, हिंदी हो गया, अवधी हो गया, इन सब लैंग्वेजेस में लोग रिलीजियस बातें करने लग गए, रिलीजियस टेक्स्ट जो है वो पब्लिश होने लग गए, राइट? एंड दैट इज इट, लाइक इट रीच्ड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. पर इससे काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस आए. तो यहाँ पर आप न्यूज़पेपर देख सकते हो, गांधी जी हैं, नेहरू हैं, कभी कभी लड़ाइयाँ भी हो जाती थी. गांधी जी और अम्बेडकर जी में काफ़ी लड़ाई हुई है थ्रू प्रिंट, है ना, कभी पढ़ना उसको, डिबेट बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. बट एग्जाम्स के बाद पढ़ना, अभी मत पढ़ने लग जाना, है ना, अभी ये पढ़ो मेरे साथ, राइट? नो गाइस, ये जो न्यूज़पेपर्स है, ये प्रिंट है, इट कनेक्टेड कम्युनिटीज एंड पीपल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड इट हेल्प्ड इन क्रिएटिंग अ पैन इंडियन आइडेंटिटी. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि जब हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, है ना, तो हमको पता चलता है कि इंडिया में क्या क्या हो रहा है. तो वैसे ही जब लोग वहाँ पहले अखबार पढ़ते थे, तो अब लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं इंडिया वालों, तब इंडिया तो था नहीं, बट लोगों से पूरे देश में. तो एक पैन इंडिया आइडेंटिटी इमर्ज हो रही थी, राइट? ओके, आई एम गोना ड्रिंक वाटर. ऑलराइट, अब क्वेश्चन आ रखा है 2014 में एग्जाम में कि प्रिंट नॉट ओनली स्टिम्युलेटेड द पब्लिकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्टेड ओपिनियंस अमंग्स कम्युनिटीज बट इट ऑल्सो कनेक्टेड कम्युनिटीज एंड पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. तो आप यही बोलोगे कि हाँ, उसने एक पैन इंडियन आइडेंटिटी बनाने में हेल्प की. कैसे, जो है आप दियोबंद सोसाइटी का एग्जाम्पल दे सकते हो, मुस्लिम्स का, उलेमा के, कि कैसे उन्होंने प्रिंट किया, कैसे लोग आपस में साथ में आए, कैसे हिंदूज ने अपने टेक्स्ट दिए. बट दिस इज अ टू मार्कर, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बचाएगा इस, थोड़ा सा, कम ऑन, बी विद मी, ठीक है, वेरी लिटिल इज लेफ्ट, सो कंटिन्यू विद मी. फिर आई प्रोमिस यू, बहुत खुशी होगी कि पूरा चैप्टर हो गया है. अगर इस चैप्टर में इंडिया वाला पार्ट आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है बहुत रटना है, तो गाइज अगेन, उसमें आप को लर्न सिर्फ थोड़ी चीजें करनी है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है. अब सेम चीज है, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, सेम चीज. अब ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ने लग गए, तो क्या हुआ, उनका रिलेशनशिप विद प्रिंट, उनका रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड, विद द कंट्री चेंज होने लगा, है ना. जो नॉवेल है, जो यूरोप में नॉवेल का कॉन्सेप्ट आया था, वही इंडिया में आने लगा. क्योंकि गाइस, लोगों को सिर्फ न्यूज़ नहीं पढ़नी ना, लोग चाहते हैं कि हम जिंदगी के बारे में पढ़ें. जैसे अगर मैं एक टीचर हूँ और मैं कोई बुक पढ़ती हूँ जिसमें टीचर की ज़िंदगी के बारे में, तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि हाँ यार, ऐसे ही मेरी लाइफ है, राइट? तो वैसे ही पीपल वॉन्टेड टू लर्न, रीड मोर अबाउट पीपल्स एक्सपीरियंसेस, राइट? तो इट्स सून एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवली इंडियन फॉर्म्स, इंडियन तरीके का एक स्टाइल ऑफ राइटिंग इमर्ज होने लगा. पीपल स्टार्टेड राइटिंग अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, है ना, ह्यूमन लाइफ्स की डाइवर्सिटी के बारे में लोग पढ़ने लगे. कभी किसी हाउसवाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, कभी इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं. तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड चीज़ें जो हैं बुक्स में आने लगी, राइट? अदर न्यू लिटरेसी फॉर्म्स एंटर द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग, जैसे लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, पोएम्स, कहानियाँ, ये सब जो है लोग लिखने लग गए. इन डिफरेंट वेज दे एम्फसाइज्ड ह्यूमन लाइफ्स एंड इंटिमेट फीलिंग्स, प्यार के बारे में, दोस्ती के बारे में, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स के बारे में, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप्स के बारे में, इन सब जो ह्यूमन लाइफ है ना, उसके बारे में लोग जो है लिखने लगे, राइट? अब By the end of the 19th century, हम लोग देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा विजुअल इमेजेस भी रिप्रेजेंट होने लग गई, मतलब भाई पिक्चर्स रिप्रेजेंट होने लग गई. एंड वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, अब हम सैम्पल पेपर वाले क्वेश्चन पे आ गए. पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस्ड इमेजेस फॉर मास सर्कुलेशन. यह है राजा रवि वर्मा, इन्होंने प्रिंट का इस्तेमाल किया अपने प्रिंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए, राइट? तो उस टाइम जो है भाई वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो थी, वो जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बड़ी सस्ती होती थी, तो उन लोगों को बिठा दिया जाता था कि देखो ये वाला प्रिंट बनाना है.
चीप प्रिंट्स एंड कैलेंडर्स वर इजीली अवेलेबल. जो चीप प्रिंट्स थे, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाली जो प्रिंट थी, जो सस्ती जो प्रिंट थी, गंदे पेपर पे बनाई जाती थी, वो काफ़ी इजीली अवेलेबल थी. लोगों के घरों में कैलेंडर्स लगे रहते थे जिसमें भगवान जी बने हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि अगेन दिस बिकेम क्वाइट पॉपुलर, राइट. दीज प्रिंट्स बिगान शेपिंग पॉपुलर आइडियाज अबाउट मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड कल्चर. तो ये जो प्रिंस है, इन्होंने ट्रेडिशन को, रिलीजन को काफ़ी पॉपुलर करने लग गए. मतलब ये पॉपुलर आइडियाज जो थे रिलीजन वगैरह के बारे में फैलाने लग गए, राइट, कल्चर वगैरह वगैरह. अब हम आते हैं सैम्पल पेपर के क्वेश्चन पे. याद है आपको ये प्रिंट सैम्पल पेपर में दिया है CBSE ने, है ना, कि कौन है पेंटर इस पेंटिंग का. तो पेंटिंग नहीं, इट्स अ प्रिंट पेंटिंग, है ना, प्रिंट के थ्रू करा है. तो राजा ऋतुवाज जो है, राजा है जो रेस्क्यू कर रहे हैं इस प्रिंसेस मंडला को, क्योंकि लड़कियां तो रेस्क्यू होती है ना बस. एनीवेज, प्रिंसेस मंडलसा को वो रेस्क्यू कर रहे हैं फ्रॉम कैप्टिविटी ऑफ द डीमंस. दिस प्रिंट इज बाय रवि वर्मा जो है, उन्होंने ऐसी माइथोलॉजिकल स्टोरीज, माइथोलॉजिकल मतलब जो सच्ची कहानियां नहीं है, जो माइथोलॉजी मिथ पे बेस्ड है, फैक्ट नहीं है, ऐसी काफी पेंटिंग्स बनाई जो उस टाइम बहुत पॉपुलर थी, है ना. हाँ, राजा रवि वर्मा, एग्जैक्टली. प्रिंट का क्या इफेक्ट है हर्षदीप, वीडियो शुरू से देखो तब आ जाएगा, राइट. नाउ बाय द 1870s गाइस, जैसे गाइस अगेन आई एम टेलिंग यू, यूरोप में जो हुआ वही इंडिया में हुआ. अगर यूरोप का समझ आ गया तो इंडिया में भी वही छाप दो, है ना. जब इंडिया में प्रिंट आया और लोग पिक्चर्स को प्रिंट करने लग गए, तो अगला क्या प्रिंट हुआ यूरोप में, कार्टून, कैरिकेचर, है ना. कैरिकेचर मतलब लोगों का अजीब फनी तरीके से दर्शाते हैं ना, बड़ी नाक, लंबे पैर, इस टाइप के कैरिकेचर्स जो है पब्लिश होने लग गए न्यूज़पेपर्स में, ऑन सोशल इशूज, ऑन पोलिटिकल इशूज, राइट. फॉर एग्जाम्पल, कैरिकेचर्स होते थे रिडिक्यूलिंग द एजुकेटेड इंडियंस टेस्ट ऑफ वेस्टर्न टेस्ट एंड क्लोथ्स. जैसे Just a second. Okay, जो काम हो रखा है काफी. तो गाइस उस टाइम पे जैसे जो इंडियंस यूरोप जाते थे पढ़ाई लिखाई करने, तो आते थे तो सूट और जीन्स पहन के आते थे, इंग्लिश बोलते थे, हिंदी उनको आती नहीं थी बिल्कुल, तो उनका मजाक उड़ाते हुए कार्टून्स और कैरिकेचर्स बनने लग गए. फियर ऑफ सोशल चेंज, लोगों को लगता था कि यार अगर समाज बदल गया, अगर सती बंद हो गया तो कैसी दुनिया होगी, तो उस बात पे भी कार्टून बनते थे, जैसे यूरोप में बनता था वो डांस ऑफ डीमंस हमने देखा ना, वैसे ही यहाँ पर, राइट. इंपीरियल कैरिकेचर्स लैम्पूनिंग नेशनलिस्ट्स, तो ब्रिटिशर्स भी अपने न्यूज़पेपर्स में कार्टून्स बनाते थे हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स के बारे में, जैसे गांधी जी हो गए, नेहरू हो गए, उनको अजीब तरीके से दर्शाते हुए. जैसे गांधी जी को तो बहुत उन्होंने मजाक उड़ाया अपने न्यूज़पेपर में कि कुछ कपड़े नहीं पहन रखे हैं, बूढ़ा सा आदमी है, यू नो, वगैरह वगैरह, राइट. नेशनलिस्ट कार्टून्स क्रिटिसाइजिंग इंपीरियल रूल, हमने भी भैया, हमने कहा तुम हमारा कार्टून बनाओगे, हम भी तुम्हारा कार्टून बनाएंगे. ब्रेक ले, होने वाले गाइस खत्म होने वाले, ब्रेक चाहिए. कितने क्वेश्चंस आएंगे प्रिंट कल्चर से, तो गाइस ऐसा नहीं है कि प्रिंट कल्चर से कोई फिक्स है कि इतने ही क्वेश्चंस आएंगे, बट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है. एंड एक 2 मार्कर, 1 3 मार्कर, समझ लो. 2 मिनट्स ब्रेक, नो ब्रेक, ऑल राइट. स्मेल, ड्रिंक वाटर एंड दैट विल बी योर ब्रेक, ठीक है. भूख लग रही है तो हमको भी भूख लग रही है. पिन द सेशन PDF इन, अच्छा ट्राई करूंगी, पूछूंगी सर से. चलो गाइस थोड़ा सा और बचा है, कम ऑन बी विद मी एंड डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो. ऑल्सो इस वीडियो को शेयर कर देना जिससे और बच्चे भी देखे. अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए डिटेल में किसी और चैप्टर का, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना. 30 मिनट वीडियो चाहिए तो भी बता देना, है ना, जो भी आप ज्यादा बोलोगे उसका वीडियो बना देंगे. जय हिंद आपको भी. चलो अब हम आते हैं वुमेन एंड प्रिंट पे. तो गाइस जैसे यूरोप में वुमेन, हमने पढ़ा ना, वुमेन राइटर्स आई, पढ़ा ना, सेम चीज पढ़ी, जेन ऑस्टिन आई, ब्रोंटे सिस्टर्स आए, वैसे ही इंडिया में भी
जो वुमेन है उनकी जिंदगी के बारे में लिखना शुरू हो गया। मिडिल क्लास फैमिली से जो औरत थी वो अपनी कहानी, वो एजुकेट होने लग गई, लिटरेट होने लग गई और वो अपनी जिंदगी की कहानी उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। राइट, काफ़ी सारे लिबरल फैमिलीज, लिबरल मतलब जो थोड़े फ्री थे, है ना, जो थोड़े खुले विचार के थे, उन फैमिलीज में जो पति थे, जो पिता थे, वो अपनी लड़कियों को पढ़ाने लग गए, है ना, अपनी वाइफ्स को, अपनी बेटियों को पढ़ाने लग गए। एंड वुमेन स्कूल्स काफ़ी सारे सेटअप हो गए बाय द मिड ऑफ 19th सेंचुरी। काफ़ी सारे जर्नल्स आने लग गए, एज आई सेड, टॉकिंग अबाउट वुमेन्स एक्सपीरियंसेस, एंड पीपल स्टार्टेड सेइंग कि भैया वुमेन जो है दे शुड बी एजुकेटेड। मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड का काफ़ी, पता है मुझे एक्चुअली मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड करना था आज, बट इसका ज़्यादा वो आया, पॉपुलैरिटी आई, तो मैंने कहा ठीक है इस पर ही कर लेते हैं। तो एनीवेज, तो वुमेन क्यों एजुकेट होनी चाहिए इस बारे में भी काफ़ी जर्नल्स लिखने लग गए। दे ऑल्सो कैरीड अ सिलेबस एंड अटैच्ड सूटेबल रीडिंग मैटर विच कुड बी यूज फॉर होम बेस्ड स्कूलिंग। तो काफ़ी ज़्यादा कि घर पे आप पढ़ा पाओ इस तरीके की जो टेक्स्ट बुक्स है ये इमर्ज होने लग गई, ये मार्केट में आने लग गई। राइट, नाउ आप कहोगे कि मैम सारी औरतों का उद्धार हो गया, तो ऐसा नहीं था। राइट, बट ऑल फैमिलीज वर नॉट लिबरल। कुछ जो फैमिलीज थी, कॉन्जर्वेटिव जो फैमिलीज थी, उनको लगता था कि अगर हमने अपनी लड़कियों को पढ़ने भेज दिया, है ना, बाहर पढ़ने भेज दिया, तो वो जो है विधवा बन जाएंगी, क्योंकि इफ दे गेट एजुकेटेड देन दे विल ब्रिंग बैड लक टू द फैमिली और वो बैड लक उनके हस्बैंड को मार देगा। राइट, तो कुछ लोगों को ये लगता था, मुस्लिम्स को है, उन्हें ये लगता था मुस्लिम्स को कि अगर लड़कियां पढ़ लेंगी तो वो उर्दू की नॉवेल्स पढ़ने लगेंगी जिसमें लव स्टोरीज होती है, है ना, तो ऑब्वियसली वो करप्ट हो जाएंगी, वो बिगड़ जाएंगी। राइट, अब 10 मिनट्स का ब्रेक है तो ज्यादा ब्रेक हो जाएगा बच्चों। अब इन ईस्ट बंगाल इन द अर्ली 19th सेंचुरी एक लेडी थी कॉल्ड राज सुंदरी देवी। राज सुंदरी देवी के बारे में आपने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। इनकी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, 12-13 साल में, है ना, वो हाउसवाइफ थी, है ना, हाउसवाइफ की तरह वो सुबह 4 बजे उठती थी, खाना बनाती थी सबके लिए, पूरे दिन काम करती थी और रात को 12-1 बजे उनको सोने को नसीब होता था। अब जो है उन्होंने अपने आप को खुद पढ़ना लिखना सिखाया, अपने जो छोटे छोटे बच्चे थे उनकी बुक्स लाती थी, वो पढ़ना खुद उन्होंने अपने आप को सिखाया। एंड शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम था अमर जीवन। क्या है अमर जीवन? जिन्होंने, जिसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे। राइट, और किस लैंग्वेज में लिखा? बंगाली लैंग्वेज में लिखा। राइट, सिंस सोशल रिफॉर्म्स एंड नॉवेल्स हैड ऑलरेडी क्रिएटेड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन वुमेन्स लाइव्स एंड इमोशंस, देयर वाज आल्सो अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट ऑन व्हाट वुमेन वांटेड टू से अबाउट देयर ओन लाइव्स। काफ़ी अब औरतें ही पढ़ने लग गई तो ऑब्वियसली औरतों को औरतों के बारे में पढ़ना था, है ना, तो ज़्यादा इस टाइप की बुक्स जो है आने लग गई। अब क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, गाइस ब्रेक थोड़ा सा बचा है उतना पढ़ लो, है ना, ठीक है। हाउ बुक्स एंड दस प्रिंट सेव्ड वुमेन फ्रॉम लिविंग अ लाइफ ऑफ इग्नोरेंस एंड कन्फाइंड देम टू द वॉल्स ऑफ देयर ओन हाउस। कैसे प्रिंट ने औरतों की जिंदगी बचाई, कैसे प्रिंट ने जो है औरतों को लिबरेट किया, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 2 मार्कर, तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है कि 1860s में बंगाली वुमेन, फॉर एग्जाम्पल कैलाश बशनी देवी जो है उन्होंने किताब निकाली जिन्होंने जिसमें उन्होंने लिखा कि कैसे औरतों को किचन में इम्प्रिजन किया जाता है, किचन में रखा जाता है, कैसे उन्हें इग्नोरेंस में रखा जाता है, इग्नोरेंस मतलब विदाउट नॉलेज, है ना, एंड उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो झाड़ू पोछा बर्तन साफ करे, डोमेस्टिक लेबर करे, कैसे उन्हें अनजस्टली गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है बाय देयर ओन फैमिली मेंबर्स। राइट, तनिष्का आई विल डू दैट, डोंट वरी। राइट, इन द 1880s महाराष्ट्र में एक राइटर आई हु इज माय वन ऑफ माय फेवरेट यू नो राइटर्स इस टाइम में, दैट इज ताराबाई शिंदे, जिन्होंने लिखा स्त्री पुरुष तुलना। वैसे ही पंडिता रामाबाई ने लिखा अबाउट हाउ अपर कास्ट वुमेन जब वो विडो बन जाती है तो उनको कितनी गंदी तरह ट्रीट किया जाता है। कभी आपको नहीं पता हो तो मूवी देख लो, एक मूवी भी बनी है इस पे। राइट, अब तमिल में एक औरत
थी जिसमें यू नो अ वुमन इन तमिल नॉवेल, उन्होंने बोला कि रीडिंग कितना इम्पोर्टेंट है एक औरत के लिए. उन्होंने कहा, फॉर वेरियस रीजंस माय वर्ल्ड इज स्मॉल, मोर देन हाफ माय लाइफ्स हैप्पीनेस हैज कम फ्रॉम बुक्स. कितनी बड़ी लाइन बोल दी कि मेरी दुनिया तो छोटी सी है ना, किचन में गुजर जाती है, तो ज़्यादातर जो मुझे खुशी मिलती है वो बुक से ही मिलती है. 1670s onwards, उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी और हिंदी प्रिंटिंग जो है काफी पॉपुलर होने लगी. ठीक है, क्लियर? ऑलराइट. अब पंजाब में ऐसा ही फोक लिटरेचर पॉपुलर होने लगा. हम देखते हैं कि जो राम चड्ढा है उन्होंने पब्लिश की समथिंग कॉल्ड स्त्री धर्म विचार. स्त्री धर्म मतलब वुमेन का क्या धर्म है, औरत को कैसे एक ओबीडियंट वाइफ बनना है, है ना, एक आज्ञाकारी बीवी बनना है, उसके बारे में उन्होंने बुक ली. ऑब्वियसली हम तो ये बुक नहीं पढ़ने वाले, है ना. फिर खालसा ट्रैक सोसाइटी है, उन्होंने पब्लिश की काफ़ी सस्ती नॉवेल्स, काफ़ी सस्ती बुक्स, जिसमें अगेन वो लिखते थे कि अच्छी औरत कैसे बनना है, एक अच्छा इंसान, इंसान ही बस औरतों के लिए था, ठीक है, एक अच्छी बीवी कैसे बनना है, राइट. बंगाल में एक पूरा एक प्रेस शुरू किया सेंट्रल कलकत्ता में, जिसको बोलते थे द बाटला प्रेस. ये जो बाटला प्रेस थी, जैसे पेंगुइन प्रेस है ना आज की, वैसे बाटला प्रेस थी, वो बहुत पॉपुलर हो गई फॉर यू नो पुटिंग आउट चीप एडिशंस ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट. जैसे गीता है, आपको सस्ती गीता चाहिए तो बाटला प्रेस जो है वो प्रिंट करके दे देती थी, राइट. बट इट ऑल्सो प्रिंटेड लिटरेचर जो काफ़ी ऑब्सीन और स्कैंडलस था. ऑब्सीन और स्कैंडलस मतलब बहुत ज़्यादा बेशरम वाला जो होता है ना प्रिंट, जिसमें मतलब अजीब ही डायलॉग्स होते थे, ऑब्सीन, स्कैंडलस, जिसमें लोग हॉ करेंगे, वैसा टाइप का प्रिंट वो करने लगा. पेडलर्स जो है, जो पेडल करके जाते थे घर घर, वो बाटला पब्लिकेशन की ये बुक्स घर घर बेच के आते थे और लोग आराम से यू नो लेजर टाइम में पढ़ते थे. गाइज अगेन आप देख सकते हो कि ये पूरी कहानी इज द सेम एज यूरोप, राइट. डिनर करना है तो वीडियो देख देख के करो. इट्स द सेम स्टोरी एज यूरोप. पेटी पेडलर्स है, वो चीप बुक्स दे रहे हैं, बस पब्लिकेशन का नाम बदल गया है बटला पब्लिकेशन, राइट. चलो अब हम देखते हैं कि अर्ली 20th सेंचुरी तक काफी जो औरतें हैं वो स्टार्टेड राइटिंग अबाउट देयर लाइफ. एंड वी सी दैट वुमेन्स एजुकेशन, विडोहुड, विडो रीमैरिज, नेशनल मूवमेंट, ये इन टाइप की बातें होने लगी. कुछ लोग लिखने लग गए कि आदरणीय बीवी कैसे बनना है, आदरणीय बेटी कैसे बनना है. शॉर्ट स्टोरीज, सीरियलाइज नॉवेल्स, ये काफ़ी पॉपुलर होने लगे. तो गाइज ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हो गया है. अब हम बचे हैं कुछ पिक्चर्स पे, जिसको लेट्स क्विकली डू इट. एंड एज आई सेड, इस चैप्टर से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मेक श्योर कि कुछ देखो ना देखो, ये आखिरी पार्ट ऑफ द वीडियो पे थोड़ा फोकस कर लेना, थोड़े से बेसिक नोट्स बना लेना, एंड यू विल बी गुड टू गो. पानी खत्म. हाँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. अच्छा चलो शुरू करते हैं. तो गाइस ये जो कवर पेज है, ये एक मैगजीन का है, इंडियन चिरावारी, ठीक है. तो जो इंडियन चिरावारी, सॉरी चारीवारी, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, है ना. तो ये जो इंडियन चारीवारी है, ये उस टाइम काफ़ी सारे कार्टून्स पब्लिश करती थी, काफ़ी सारे कैरिकेचर्स पब्लिश करती थी. तो यहाँ पर एक इंडियन एक कैरिकेचर है, जहाँ पर बीच में एक यूरोपियन, एक ब्रिटिशर को दिखाया जा रहा है, और साइड में आप देख सकते हो इंडियंस हैं, है ना, जो काफ़ी डरे हुए बैठे हैं, सबमिसिव से बैठे हैं, और ऑब्वियसली यूरोपियन इनका अथॉरिटेटिव है, यू नो ज़्यादा पावर है उसमें, राइट. नोटिस दैट द इम्पीरियल ब्रिटिश फिगर इज पोजिशन राइट एट द सेंटर. तो ब्रिटिश फिगर जो है बिल्कुल बीचों बीच है, चारों तरफ उनके सर्वाइल एंड सबमिसिव इंडियंस है. सर्वाइल मतलब सर्वेंट की तरह, नौकर की तरह बैठे हुए हैं, सबमिसिव है, कोई इनमें पावर नहीं है. द इंडियंस आर बीइंग शोन अ कॉपी ऑफ द पंच. उनको पंच की एक किताब, ये पंच लिखा हुआ है यहाँ, द पंच. पंच एक मैगजीन होती थी पहले, जहाँ पर ब्रिटिशर्स की कैरिकेचर होता था, ब्रिटिशर्स का यू नो एक तरह की, ब्रिटिश कैसे रहते हैं, कैसे वो जिंदगी जीते हैं, वो सब पंच मैगजीन में आती थी. तो एक तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि ब्रिटिशर्स इंडियंस को कह रहा है कि देखो ऐसे इंडियंस भी होने चाहिए,
ऐसे ही उन्हें सूट पहनना चाहिए, ऐसे ही उन्हें लाठी के साथ चलना चाहिए जो ब्रिटिश लाठी होती थी, ऐसे ही उन्हें हैट पहनना चाहिए, राइट? सो दिस टाइप ऑफ कैरिकेचर्स एग्जिस्टेड देन, कि ये ना इंडियंस को बता रहे हैं कि कैसे ब्रिटिशर बनो, ठीक है? ऑलराइट, अब ये वाले कार्टून्स बड़े ही इंटरेस्टिंग है। तो गाइस, जैसे हमने अभी पढ़ा कि वुमेन्स एजुकेशन लिटरेसी रेट औरतों के बीच में काफ़ी इम्प्रूव हो गया था, तो ऑब्वियसली सोसाइटी में पीपल डिड नॉट लाइक दिस, है ना? तो काफ़ी कैरिकेचर्स बना उसका कि देखो अगर औरत को पढ़ा दिया तो औरत सर पे बैठेगी। तो यहाँ दिखाया जा रहा है घोर काली। घोर काली मतलब बिल्कुल ही काली, ब्लैकनेस में यू आर गोइंग, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट? इट इज अ वुड कट बाई, जो वुड कट आपका वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है 19th सेंचुरी का। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर फैमिली रिलेशंस होता है जहाँ बीवी पति के नीचे होती है, कदमों में होती है, और मदर इन लॉ जो सास होती है वो भी ऊपर होती है पति के, है ना? पर यहाँ उल्टा है, यहाँ बीवी जो है वो सर पे चढ़ी हुई है, है ना? शी इज द हस्बैंड इज डोमिनेटेड बाई द वाइफ, एंड ये जो मदर है, मदर इन लॉ सास, उसको ड्रैग किया जा रहा है लाइक एन एनिमल, यू नो, बाय द नोज, राइट? तो उसको ड्रैग किया जा रहा है, राइट? चलो, वी हैव अनदर वेरी इंटरेस्टिंग इमेज इन फ्रंट ऑफ अस। यहाँ पर आप देख सकते हो एक इंडियन कपिल है, और यहाँ दिखाया जो आर्टिस्ट है वो दिखाना चाह रहा है कि वेस्ट के आने के वजह से, प्रिंट के आने के वजह से, जो इंडियन ट्रेडिशंस है, जो फैमिली ट्रेडिशंस हैं, वो पूरी तरीके से टूट गए हैं, है ना? जो ये औरत है ये हुक्का पी रही है, सोचो जो औरत जमीन पे लेटी रहती थी, मतलब शी वाज लोअर देन द हस्बैंड, वो आदमी के साथ सेम लेवल पे शी इज स्मोकिंग द हुक्का, राइट? सो ऑब्वियसली दैट वाज कंसिडर्ड टू बी अ ह्यूज हो हो, right? The move towards women's education in the late 19th century created anxiety. ये सारे images क्या show करते हैं? Anxiety towards women's education. कि यार अगर औरतें पढ़ लिख ली ना तो यही होना है। जैसे आजकल लोग बड़ा बोलते हैं कि अगर औरतें ज़्यादा पढ़ लिख लेती हैं तो divorce हो जाता है घर में, है ना? तो what is that anxiety है about women getting a career, about women getting a job, about women being independent, है ना? तो सारी लड़कियाँ यहाँ पर पढ़ लिख लो फिर ऐसे राज करना। एनीवेज, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो यूरोपियंस हैं, यूरोपियंस को दिखाया जा रहा है जो मस्त अपनी लाइफ जी रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिकर बॉटल है उनके हाथ में, लिकर मतलब शराब की बोतल है, और जो शराब की बोतल उनके हाथ में, और जो मेन साहब है वो वायलिन प्ले कर रही है। अच्छा, दिस इज शोइंग द ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ यूरोप, कि यूरोप में जो औरतें हैं वो सिर्फ वायलिन प्ले करती है, वो बिल्कुल सही अपने स्टेटस पे है, और जो हस्बैंड है वो ही अल्कोहल पी सकता है, राइट? दैट्स इट, वी आर गोइंग टू फिनिश द चैप्टर। वी नाउ कम टू द फाइनल पार्ट ऑफ द चैप्टर, एंड दैट इज प्रिंट एंड द पुअर पीपल। जैसे यूरोप में जो गरीब लोग थे, जो वर्कर्स थे, वो बुक्स पढ़ने लगे थे, वैसे ही लेंडिंग लाइब्रेरी, सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज, बस इंडिया लिख दो, लेंडिंग लाइब्रेरीज इंडिया में भी आई, और लेंडिंग लाइब्रेरी से जो गरीब लोग थे वो बुक्स पढ़ने लग गए, राइट? मद्रास में हम लोग देखते हैं सबसे पहले ये इमर्ज हुआ, जहाँ पर बुक्स क्रॉसरोड्स पे, क्रॉसरोड्स मतलब चौराहे पे बेची जाती थी, और जो लोग ट्रैवल कर रहे होते थे वो बुक्स खरीद लेते थे। पब्लिक लाइब्रेरीज, जो लेंडिंग लाइब्रेरीज थी, वो इमर्ज हुई, और जो पुअर पीपल है वो उन बुक्स को पढ़ते थे। अगेन दिस इज द सेम थिंग, प्लीज रिमेंबर, हिस्ट्री इज द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, है ना? इसलिए आप कंफ्यूज मत हो। दीज लाइब्रेरीज, ये जो लाइब्रेरीज थे, ये काफ़ी सिटीज और टाउन्स में ज़्यादा थे, या फिर जो अमीर विलेजेस थे उसमें इस्टेब्लिश किए जाते थे। कौन उन्हें इस्टेब्लिश करता था? जो अमीर लोग होते थे, जो यू नो थोड़े होते हैं ना लोकल रिच पीपल, वो लोग जो है लाइब्रेरीज को खोल देते थे फॉर द कॉमन पीपल। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी इशूज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, काफ़ी लोग कास्ट के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा लिखने लग गए, राइट? तो किस टाइप की बुक्स लिखने लग गए? अगेन गाइज, वन मार्कर क्वेश्चंस, डू दिस टेबल एंड यू आर गुड टू गो, है ना? ज्योतिराव फूले के बारे में आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, जिन्होंने बुक लिखी थी गुलामगिरी, गुलामी मतलब स्लेवरी, राइट? सो गुलामगिरी, जिसमें उन्होंने बोला कि लोअर कास्ट को साथ में आके अपर कास्ट को हराना चाहिए। वैसे ही बी आर अम्बेडकर जी भी थे, जिन्होंने काफ़ी कास्ट के बारे में लिखा। ई वी रामस्वामी नैयर, जिसको हम लोग पेरियार भी बोलते हैं, ही ऑल्सो रोट ऑन कास्ट। काशी बाबा ऑल्सो रोट छोटे एंड बड़े का सवाल,
यू नो जिसमें उन्होंने क्लास डिफरेंस के बारे में लिखा कि कैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं और कैसे कुछ लोग बहुत कम कमाते हैं, राइट। फिर एक और मिल वर्कर था, मिल वर्कर जो मिल में काम करता था, जैसे दाल वगैरह आटा वगैरह बनाना, है ना। तो उन्होंने बुक लिखा अंडर द नेम ऑफ सुदर्शन चक्र, और बुक था सच्ची कविताएं, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखी, है ना, सच्ची कविताएं। ऑलराइट, तो गाइस हम देखते हैं कि वर्कर्स जो है वो काफी ज्यादा बुक्स पढ़ने लग गए। दे इन फैक्ट्रीज वर टू ओवरवर्क एंड लैक्ड द एजुकेशन टू राइट अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस। काफी लंबे टाइम तक जो फैक्ट्रीज में वर्कर्स होते थे उनको काफी एक्सप्लॉइट किया जाता था, तो उनके पास टाइम नहीं होता था बुक्स पढ़ने का। 1930s onwards, जो बैंगलोर कॉटन मिल वर्कर है उन्होंने अपनी लाइब्रेरी सेटअप की जहां से वर्कर्स बुक्स ले सकते थे और पढ़ सकते थे। अगेन ये सेम कहानी यूरोप वाली, बस नाम बदल गए। ऑलराइट, तो सोशल रिफॉर्मर्स जो है वो पैसा देते थे जिससे लोग लाइब्रेरीज खड़ी कर पाए और लोग बुक्स पढ़ पाए। क्वेश्चन आ सकता है, इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी ऑन द पुअर पीपल ऑफ इंडिया 2013-2017 में ये क्वेश्चन आ रखा है। तो इसमें आप यही पढ़ोगे कि कैसे पुअर पीपल भी पढ़ने लग गए, यू नो अलग अलग टाइप की कास्ट बेस्ड बुक्स होने लग गई, पर उनके पास इतना ज़्यादा पैसा ना टाइम था तो लेंडिंग लाइब्रेरीज एस्टैब्लिश हो गई, ठीक है। ओके, नाउ वी कम टू द फाइनल पार्ट ऑफ द चैप्टर, नॉट देन बट अभी है गाइस, आई नो थोड़ा और मजाक नहीं करी, सच में फाइनल पार्ट ऑफ द चैप्टर है। अब मैं आई एम नॉट लाइंग टू यू गाइस, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। अच्छा, मेरी फोन की बैटरी चली गई। ऑलराइट, प्रिंट एंड सेंसरशिप। तो हम देखते हैं कि बिफोर 1757-1764 बैटल ऑफ प्लासे, बैटल ऑफ बक्सर, ब्रिटिशर्स अब इंडियन पॉलिटिक्स में घुस चुका है, पर ब्रिटिशर्स को इतना इंटरेस्ट नहीं है प्रिंटिंग प्रेस में, है ना, मतलब वो इट वाज नॉट इंटरेस्टेड, और काफ़ी मतलब इट्स अर्ली मेजर्स टू कंट्रोल प्रिंटेड मटीरियल वर डायरेक्टेड अगेंस्ट इंग्लिश मैन इन इंडिया। जैसे हिकिटी को उन्होंने परसिक्यूट किया क्योंकि हिकिटी उनके अगेंस्ट लिख रहा था, तो उनका फोकस बस उस पर था, राइट। जो कंपनी था इट वॉज ओनली वरिड कि जो उनका ट्रेड है उनके उस ट्रेड के ऊपर अपने जो पैसा कमाना प्रॉफिट्स के ऊपर कोई लाचन ना आए, नथिंग शुड हैपन टू द प्रॉफिट्स ऑफ द यूरोपियंस, राइट। बाय द 1820s द कैलकटा सुप्रीम कोर्ट ने फिर शुरू किया कुछ रेगुलेशंस पास करना टू कंट्रोल प्रेस फ्रीडम, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा बोला गया कि आप सिर्फ ऐसे आर्टिकल्स निकालो जो ब्रिटिशर्स को फेवर करता है, जो ब्रिटिशर्स की तारीफ करता है, राइट। 1835 में काफ़ी सारे इंडियंस थे जिनके पास न्यूज़पेपर्स थे, वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर्स थे, वो यू नो पेटिशंस रिक्वेस्ट डालने लग गए कि प्लीज़ हमको थोड़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे दो। तो उस टाइम थॉमस मैकॉले, याद होगा आपको कुछ 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था मैकॉले, तो जो थॉमस मैकॉले था उन्होंने बोला कि ठीक है ना, आई बिलीव इन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मैं आपको अलाउ करता हूँ थोड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको जो लिखना है आप लिखो, ठीक है। बट आई कहाँ गया, बट अब यहाँ पर हम फाइनल पार्ट पे आ जाओ जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि एट वॉट पॉइंट डिड द ब्रिटिशर्स स्टार्ट यू नो सेंसरिंग मतलब रिस्ट्रिक्ट करने लग गए फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया। तो आप बोल सकते हो जब रिबेलियन ऑफ 1857 हुआ, वो रिबेलियन हुआ प्रिंट के वजह से, तो उसके बाद दैट चेंज द एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिशर्स टुवर्ड्स द इंडियन प्रेस। अब उन्होंने बोला कि जो वर्नैक्युलर प्रेस पेपर्स थे उन्होंने देखा कि वो काफ़ी नेशनलिस्ट है, काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लिखा जाता है। तो इन 1878 एक वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट पास हुआ, गाइस दिस पार्ट इज सुपर इम्पॉर्टेंट। कब पास हुआ, 1878 में एक वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट पास हुआ विच वॉज वेरी सिमिलर टू द आयरिश प्रेस एक्ट, जहाँ पर ये बोला गया कि जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उस दैट विल एक तरीके से वो नज़र रखेगी ऑन द वर्नैक्युलर प्रेस, और अगर वर्नैक्युलर प्रेस राइट्स एनीथिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अगर वो कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल लिखती है तो उस पूरा जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा, राइट।
तो क्वेश्चन आता है, व्हाट मेड द इंग्लिशमैन अंडर कॉलोनियल रूल डिमांड अ क्लैंप ऑन द नेटिव प्रेस? तो आप बोल सकते हो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ये हुआ, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट फॉर्म हुआ, जहां पर अगर कोई न्यूज़पेपर सेडिशियस मतलब एंटी गवर्नमेंट आर्टिकल निकालता है और तो उसको वार्निंग दी जाएगी, अगर वो वार्निंग इग्नोर की जाती है तो जो है पूरा प्रिंटिंग मशीनरी उसका कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा, राइट। ऑफ कोर्स जब कुछ एप्पल नहीं दिया जाता तो एप्पल ही खाना है, वैसे ही जब न्यूज़पेपर्स बैन हो रहे थे लेफ्ट एंड राइट, तो काफ़ी सारे और न्यूज़पेपर्स इमर्ज होने लग गए इंडिया में अंडरग्राउंड, राइट। अंडरग्राउंड मतलब छुप छुप के लोग पढ़ने लग गए, एंड इट एनकरेज नेशनलिस्ट एक्टिविटीज, इट टॉक्ड अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, राइट, अटेम्प्ट्स टू थ्रॉटल नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म, प्रोवोक्ड मिलिटेंट प्रोटेस्ट। जब ब्रिटिशर्स रोकने की कोशिश करते थे तो उससे लोग और भड़कते थे, है ना, तो एक साइकिल सी हो गई, राइट। अच्छा फाइनल पार्ट गाइस, फाइनल प्रॉमिस, राइट, एग्जांपल, बस एग्जांपल बचा है। जब पंजाब में रेवोल्यूशनरी से जिन लोगों ने क्रांति की थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जब उनको डिपोर्ट कर दिया गया, देश निकाला कर दिया गया, तो बाल गंगाधर तिलक ने इस बारे में लिखा कि बताओ कितनी गलत बात है कि बेचारे इन क्रांतिकारियों को देश से निकाला जा रहा है। तो ब्रिटिशर्स को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने फिर उस टाइम पे उनकी जो यू नो जो न्यूज़पेपर था केसरी, उसको कॉन्फिस्केट किया और उनको जेल में डाल दिया, जिसके वजह से काफी प्रोटेस्ट भी हुए, राइट। नाउ वी आर डन विद द चैप्टर, द चैप्टर हैज एंडेड हियर। नाउ ऑल ऑफ यू पीपल, आई हैव 2-3 आस्क्स फ्रॉम यू, है ना। मैंने बोला था चैप्टर के शुरू में कि आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे, आपको पिक्चर समझ आ जाएगी चैप्टर के, और जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आपको समझ आ जाएगा, आप लिख पाओगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर ये तीनों चीज़ें आपकी हुई एटलीस्ट 50%, है ना, आई विल बी हैप्पी विद दैट। क्योंकि एज आई सेड, इस वीडियो को आप एक और बार देखना, रिविजन कर रहे हो तो 1.5x पे देखना जल्दी जल्दी, एंड आई वुड जस्ट से कि आपका रिविजन अच्छी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपका 50% हो गया है, इट इज टाइम टू लुक एट द वीडियो आफ्टर 2-3 डेज अगेन एंड लर्न फ्रॉम योर नोट्स दैट यू हैव मेड बाय लुकिंग एट द वीडियो, ठीक है। अब हम आते हैं क्विज पे। तो गाइस क्विज का लिंक नीचे दे रखा है, लाइव क्विज नहीं होगा, जिससे कि जो बच्चे थक गए हैं तीन घंटे बाद, आप आराम से बैठ के क्विज दे सकते हो। गो टू www.bigquiz.in, नाक बंद हो गई है मेरी, पुट इन द कोड 228178। जो बच्चे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं क्लिक कर पा रहे, यू कैन पुट इन दिस कोड। डू लेट मी नो हाउ मच यू स्कोर्ड इन द कमेंट सेक्शन, यू नो उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा जब आप क्वेश्चन ये करोगे क्वेश्चंस। मैम प्री बोर्ड में 77 आए, अच्छा मेरा आशीर्वाद आपके साथ ही है। तो गाइज ये वाला है मेरा टेलीग्राम चैनल, आई विल बी पोस्टिंग द PDF ऑफ टुडेज सेशन हियर एंड ऑन द वेदांतु 9th and 10th चैनल, तो आप फॉलो कर लेना तो आपको PDF मिल जाएगा, राइट। ऑलराइट, तो दैट इज इट फॉर द चैप्टर। इफ यू वांट मोर डिटेल्ड एनालिसिस, तो गाइज द्रोणा मैच कल, बाय द वे जो बच्चे द्रोणा वाले बच्चे हैं, कल इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे और सारे डाउट्स हम लेंगे, सो बी देयर फॉर दैट बैच। और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया और आपको बहुत ज्यादा डाउट्स है, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन, नया बैच शुरू होने वाला है। ऑल यू नीड टू डू इज यूज द कूपन कोड SUGPRO, ठीक है, ये कूपन कोड यूज करो और आपका फीस हो जाएगा फ्रॉम 5,000 rupees to 4,000 rupees। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे कि कितने टेस्ट होते हैं, कैसे चैप्टर असाइनमेंट होता है, यू कैन गो ओवर इट, इफ यू लाइक इट यू कैन ज्वाइन, ठीक है। ऑलराइट, सो गाइस दैट इज इट, आई होप, थैंक यू क्रिश, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड काफी बच्चे डिमांड कर रहे हैं, बट व्हाट चैप्टर यू गाइस वांट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू यू वांट अ डिटेल 3-hour वीडियो और डू यू वांट अ 30-minute रिविजन वीडियो, ठीक है, ये सब आप मुझे बताओगे तो मैं वीडियो बना पाऊंगी। ऑलराइट गाइस दैट इज इट, थैंक यू फॉर कमिंग टू माय कक्षा, दिस इज योर मास्टर टीचर सर्वी साइनिंग आउट, बाय बाय, हैव अ ग्रेट नाइट।